पेशे खिदमत है किताब तोहफतुल मजालिस मुआइज हजरत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मदजल्लाहुल आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशे लफ्ज अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि जिसने हमारी रहनुमाई के लिए मुर्शिद हक हजरत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मदजल्लाहुल आले जैसी हस्ती अता फरमाई, जिनकी नजर कीमिया ने हम जैसे हजारों नौजवानों की जिंदगी में रूहानी इनकलाब बरपा कर दिया। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके दिल हमा वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो चुके हैं, और यही दुनिया और आखरत का बेशबहा खजाना है जो दर हकीकत हमारे लिए जरिया निजात ही नहीं बल्कि मार्फत खुदावंदी का जरिया भी है। इसी के तुफैल इंसान फनाफिल शेख, फनाफिल गौस, फनाफिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फनाफिल्ला जैसे आला मनसब पर फाइज होता है। अंजुमन का हर रुकन सरकार शाह साहब की गुफ्तगू सुनने को बेताब रहता है। तोहफतुल मजालिस में सरकार शाह साहब के उन खिताबात या गुफ्तगू को कलमबंद करने की कोशिश की गई है जो आपने मुख्तलिफ मकामात पर कॉन्फ्रेंसों और रूहानी नशिस्तों में तालिबीन हक के साथ फरमाई। इसकी तदवीन में जिन असहाब ने मुआवनत की अल्लाह ताला उनको इसका अजर कसीर अता फरमाए। इदारा इस सिलसिले में उनका तहदिल से ममनून है। इससे पेशकर तोहफतुल मजालिस चार हिस्सों पर मुश्तमिल थी, अब इन हिस्सों को यकजा करके किताब की शिकल दी गई है। उम्मीद है कि तालिबीन हक बिलखुसूस अवामुन्नास बिलुमूम इन रूहानी मलफूजात से भरपूर इस्तेफादा फरमाएंगे। अल्लाह ताला तोहफतुल मजालिस की तदवीन के लिए हमारी कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन। खैरअंदेश चेयरमैन सरफरोश पब्लिकेशन पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्सा अव्वल दुरूद शरीफ और ज़ाकरे कल्बी। सहाबे इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का वाक़िया है कि जब हम पर कोई मुसीबत आती तो हम दुरूद शरीफ पढ़ते थे। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले आप हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। अगर अल्लाह अल्लाह में रुकावट होती तो दुरूद शरीफ पढ़ते, इस तरह वो रुकावट दूर हो जाती। अब लोग कहते हैं कि दिल से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। इब्तिदा में दिल से दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि दिल की धड़कन टिक टिक करती है। आप टिक टिक के साथ किस तरह दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? टिक टिक के साथ तो अल्लाह अल्लाह ही हो सकती है, यानी कि जब दिल की धड़कन की टिक टिक अल्लाह अल्लाह करेगी तो इंसान कामयाब हो जाएगा। इस तरह कई टिक टिक मिलकर बड़ी मुश्किल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगी, और फिर इस तरह मजीद कई टिक टिक मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगी। उस वक्त हम कहेंगे कि अब ये शख्स दिल से मुसलमान हो गया है। उस वक्त जब तुम नमाज पढ़ोगे तो साथ वो कल भी नमाज पढ़ेगा। तुम दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो साथ कल भी दुरूद शरीफ पढ़ेगा। उस वक्त दुरूद शरीफ के सही फैज का इल्म होगा। ऐसे लोग जो ज़ाकरी कल्बी होते हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कल्ब भी दुरूद शरीफ में लग जाता है। जब वो नाज शरीफ पढ़ते हैं तो कल्ब भी नाज शरीफ में लग जाता है। ऐसे लोग जब रात को सोते हैं तो कल्ब भी नाते पढ़ता रहता है। कभी दुरूद शरीफ पढ़ता है, कभी अल्लाहू करता है। घर वाले कहते हैं कि तुम नात पढ़ रहे थे या दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे या अल्लाहू कर रहे थे, तो वो कहता है कि मैं तो सो रहा था, मुझे पता ही नहीं। रब की तलाश। आजकल किसी को रब की तलाश ही नहीं। बंदा नमाज भी पढ़ता है तो किसी लालच और गर्ज वगायत के सबब, विर्द वज़ाइफ भी करता है तो कारोबार की तरक्की के लिए या बीमारी से शफा के लिए, और नमाजें भी जन्नत में जाने के लिए पढ़ता है। रब को पाने के लिए कोई अमल नहीं करता। अगर रब को पाने के लिए अमल करता तो रब जरूर मिलता। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से रब ने कहा, ए बायजीद, इतना कुछ जो तू करता है क्या जन्नत के लिए करता है? उन्होंने जवाब दिया कि मैं लालची नहीं हूँ। रब ने फिर फरमाया, क्या तू दोजख से बचने के लिए करता है? बोले कि दोजख तो मुनकरों के लिए ठिकाना है, मैं मुनकर नहीं हूँ। फिर रब ने सवाल किया, क्या तू अर्श कुर्सी के लिए करता है? जवाब दिया कि अर्श कुर्सी तो फरिश्तों का मकाम है, मैं फरिश्ता नहीं हूँ।
रब ने कहा, ए बायजीद, फिर ये सब कुछ तू किस लिए करता है? अर्ज की, ए रब, मैं ये सब कुछ तेरे लिए करता हूँ। रब ने फरमाया कि अगर मैं ना मिलूं तो? हजरत बायजीद ने अर्ज की कि अगर तू नहीं मिलता तो मेरा जीना बेकार है। आह भरी और जान दे दी। बच्चे बच्चे को पता है कि अगर दिल खराब हो तो नमाज का कोई फायदा नहीं। यही बात है ना, जिस तरह किसी का दिमाग खराब हो और आप उसे हिफ्स के लिए बिठा दें, कुरान पाक बार बार पढ़ने के बावजूद उसको याद नहीं होगा, आखिरकार आप सब कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले दिमाग का इलाज कराओ तब हिफ्स होगा। इस तरह इबादत का ताल्लुक दिल से है। अगर दिल खराब होगा तो इबादत सही नहीं होगी। यानी सही इबादत के लिए दिल को साफ करना बहुत जरूरी है। नमाज अदा करने में हम जुबान से नूरी अल्फाज पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, मगर दिल में ख्याल ये है कि घर विच आटे कोई नहीं। इसी तरह कुल हुवल्लाहु अहद का नूर आटे में चला गया और आटे में बरकत हो गई, आटा कहीं से आ गया। सारी नमाज में जहाँ जहाँ ध्यान जाता है उधर नूर चला जाता है और हमारी दुनियावी उमूर संवरते चले जाते हैं। हम हकीकत नहीं समझते बल्कि खुश होते हैं कि हमारी नमाज कबूल हो रही है, हालांकि हमारी नमाज तो कारोबार में घूमती रहती है। ये तो हमारा हाल है। और दूसरा फिरका, खासकर देवबंदी है, उन लोगों का कहना है कि वो लोग ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि जिसमें कोई ख्याल ही नहीं आए। वो रब को ढूंढने के लिए आसमानों की तरफ ध्यान करता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने अमल में कामयाब होता है, क्योंकि नमाज में उसका ध्यान आटे और दाल की तरफ नहीं जाता बल्कि रब की तरफ जाता है। इस बेचारे को पता ही नहीं कि रब तो वहां है जहां फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते, तो उसका ख्याल कैसे पहुंचेगा? यानी इन साहब की नमाज खलाओं में घूमती रहती है। यानी पहला दूसरे से बेहतर है, क्योंकि उसके कारोबार में तो बरकत हो रही है, लेकिन रब किस तरह मिलेगा? नमाज तो रब के लिए है और आपने नमाज को कारोबार में लगा लिया और खलाओं में लटका लिया। अब देखें कि रब कैसे मिलता है। सबसे पहले रब के इसमें जात अल्लाह को पकड़ना पड़ता है, इसको पुकारते हैं, फिर इसको दिल में जमाते हैं, फिर जब नमाज पढ़ते हैं तो नजर से कल्ब पर इसमें अल्लाह जमाते हैं। ये नमाज खालिसतन अल्लाह के लिए होती है, अर्शे मौला तक पहुंच जाती है, अर्शे मौला से बैतुल मामूर और बैतुल मामूर से अल्लाह तक पहुंच जाती है। यानी ऐसी नमाज सीखने और अदा करने के लिए सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी पड़ेगी। एक शख्स था, इसे जरूरत पड़ी कि रब को ढूंढूं। 5-6 साल तक अपने घर में इबादत करता रहा, विर्द वज़ाइफ करता रहा, इसके चेहरे पे नूर आ गया। वो कहने लगा कि लोग मुझे वली समझने लगे, मगर अंदर से काला ही था। ख्याल आया रब शायद मस्जिद में मिलता है और मैं घर में इबादत में लगा रहा। वो फिर मस्जिद में चला गया, वहाँ फिर 5-6 बरस गुजारे, इबादत करता रहा, लेकिन जब अंदर झांका तो खाली पाया। उसने सोचा कि रब शायद जंगलों में मिलता है। जंगलों में जाकर भी 5-6 साल इबादत और रियाजत सब कुछ करता रहा, लेकिन जब अंदर देखा तो खाली पाया। सच्चा आशिक था, सोचा शायद रब दरियाओं में मिलता है, दरियाओं में तलाश करना शुरू कर दिया। 5-6 साल गुजार दिए, मगर अंदर देखा तो खाली। सोचने लगा रब फिर कहाँ मिलता है? जहन में ख्याल आया कि मूसा को कोहेतूर पर मिला था, शायद मुझे भी मिल जाए। कोहेतूर पर जाकर 5-6 साल गुजारे, मगर रब का कहीं भी नामो निशान ना पा सका। आखिरकार उसके मरने का वक्त करीब आ गया। दिल में अफसोस था कि मैंने घर बार छोड़ा, मट्टी खाई, पत्ते खाए, मगर रब नहीं मिला। न जाने रब कहाँ मिलता है। आवाज आई, ए नादान, मैं तो तेरे घर में मौजूद था। वो बोला, ए अल्लाह, तू किस कोने में था? जवाब आया, तेरे दिल में था। अगर घर में बैठकर दिल से मुझे याद कर लेता तो मुझे पा लेता। हदीस अहयाए उलूमुद्दीन। ला यसअनिल अर्दि वला समाई वलाकिन यसअनिल कल्बि अब्दिल मुमिन। तर्जुमा, मुझे जमीन और आसमान की वसतें अपने अंदर नहीं समो सकी, लेकिन मैं अपने बंदे मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। हदीसे कुदसी। अब दिल क्या है? रब का ताल्लुक दिल से है। जिस तरह खाने काबा आसमान पर बैतुल मामूर की नकल है, इसी तरह अर्शे मौला की तरह हमारा दिल है। लोग कहते हैं कि दिल को बड़ी फजीलत है। दिल को उस वक्त फजीलत है
जब इसमें अल्लाह बस जाता है और यह अल्लाह अल्लाह में लग जाता है और इसकी इस अल्लाह अल्लाह की हरकत से अर्श मौला हिलने लगता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि परवरदिगार आलम ये क्या हो रहा है। रब फरमाता है कि वही इंसान जिसे इनकार सजदा हुआ था आज वो सो रहा है मगर उसका दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है जिसकी वजह से अर्श मौला हिल रहा है। फरिश्ते कहते हैं कि काश हम भी इंसान होते और हमारे अंदर भी ऐसा दिल होता। अब तुम जो उसकी इबादत करते हो विर्द व वज़ाइफ करते हो ज्यादा से ज्यादा 50, 60 या 100 साल गुजार लोगे मगर फरिश्ते तो हजारों साल से इबादत कर रहे हैं उनसे कैसे बाजी ले जाओगे। कुछ जिन्नात में से सहाबा जिन्नात भी हैं यानी कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हैं मगर अब भी मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन बेचारों में दिल नहीं है और तुम में दिल मौजूद है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 7 जन्नतें बनाई और तुम्हारे अंदर 7 मखलूकें रखी। तुम्हें तो सिर्फ इतना इल्म है कि तुम्हारे अंदर एक रूह मौजूद है हालांकि तुम्हारे अंदर एक नहीं बल्कि 7 रूहें मौजूद हैं जो अंडों में बंद हैं जिनके गिर्द जाले बने हुए हैं। अगर एक मखलूक का ताल्लुक कल्ब की इबादत से हो जाए तो वो जन्नत खुल्द का हकदार है। रूह की इबादत कर ले तो उसे अगली जन्नत यानी दारुस्सलाम मिलेगी। सिर्री की इबादत करे तो उससे अगली जन्नत के मुस्तहिक। फिर इसी तरह एक लतीफा अन्ना दिमाग में मौजूद है अगर इसकी इबादत करोगे तो जन्नतुल फिरदौस के हकदार ठहरोगे। कई आबिद जिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हैं अभी तक मौजूद हैं लेकिन इनमें कल्ब मौजूद नहीं है इसीलिए वो जन्नत में नहीं रह सकते बल्कि उनको जन्नत के बाहर मकामात मिलेंगे। वो लोग सिर्फ जन्नत की सैर को जा सकेंगे लेकिन वो इंसान जिनके अंदर दिल मौजूद था लेकिन उन्होंने खत्म कर दिया तो उनके बारे में कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि ये चौपाए हैं बल्कि इससे भी बदतर। हो सकता है कि ईमानदार कलमा गो या जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हो बख्श दिया जाए लेकिन ये जन्नत में उन लोगों के बराबर तो नहीं हो सकता जिन लोगों ने लताइफ की इबादत की हो। ऐसे लोग जो दोजख से बच तो जाएंगे मगर जन्नत में उन इबादत गुजारों के गुलाम बनकर रहेंगे। उस वक्त कितने पछताएंगे कि ये सब हम में भी मौजूद था मगर हम तो महरूम रहे। इंसान के दिमाग पर एक पर्दा होता है। अगर तुम्हें कहा जाए कि 1 माह के लिए मरी चले जाओ तुम पहले पूछोगे कि वहाँ का मौसम कैसा है वहाँ के लिए कंबल खरीदोगे पैसे वगैरह और दूसरी तमाम जरूरियात के इंतजाम करोगे ताकि वहाँ किसी किस्म की तकलीफ ना हो। यानी सिर्फ 1 माह की तारीख और इतना इंतजाम मौत का तो कोई पता नहीं है न जाने किस वक्त आ जाए शायद कल ही आ जाए मगर वहाँ के लिए तुम सामान क्यों नहीं करते। इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है शैतान इंसान के दिमाग पर एक पर्दा डाल देता है। अब वो कैसे हटता है वो इस वक्त हटता है जब इंसान मरने लगता है। इज़राइल अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो शैतान वो पर्दा हटा लेता है तो उस वक्त आदमी ये कहता है कि मुझे अब मौका मिले ताकि कुछ कर लूं लेकिन अब तो मलकुल मौत आ गए हैं अब क्या मौका मिलेगा। हदीस शरीफ में है मौतू क़ब्ल अन तमौतू मरने से पहले ही मर जाओ। सबसे पहले जिक्र कल्ब फिर रूह इस तरह 7 लताइफ चलते हैं। जब दिमाग का लतीफा याहू का जिक्र करेगा तो उसकी गर्मी से वो पर्दा फट जाएगा और पर्दा फटने के बाद आपको मरने से पहले ही इल्म हो जाएगा कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। इस वक्त लोग कहेंगे कि ये दीवाने हैं लेकिन आप कहेंगे कि लोग दीवाने हैं। इस तरह इंसान अपनी आमद का मकसद समझ जाता है। अगर अल्लाह ताला ऊपर ही से हमारी रूहों को जन्नत या दोजख में डाल देता तो दोजख में जाने वाली रूहें एतराज करती कि ए अल्लाह हमने क्या कसूर किया था। इस एतराज को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने इन रूहों को जिस्मों में डाला और जन्नत दोजख की बुनियाद एमाल पर रखकर इन्हें दुनिया में भेज दिया। अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम्हें चंद साल के लिए दुनिया में भेजा था वहां से क्या करके लाए हो तुम तो मुझे भूल ही गए थे और दुनिया में लग गए थे। अब दुनियावी जिंदगी खत्म होने वाली है असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी जो कभी ना खत्म होगी। तुम्हारी इस जिंदगी का निचोड़ 50, 60 या 100 साल है।
अगर तुमने इन्हें जाया कर दिया तो गोया सारी जिंदगी जाया कर दी। लेकिन नमाज पढ़ो, विर्द व वज़ाइफ करो, जो कुछ भी करो अल्लाह के लिए करो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम ये सब कुछ दुनियावी फवाइद के लिए करते हो। तुम ये चाहते हो कि कारोबार में तरक्की हो, बीमारी से निजात हो, इस तरह तुम्हारी तमाम हाजात पूरी हो जाएं। ये सब कुछ दुनिया के लिए है, इसलिए दुनिया में रह जाएगा, आखिरत में खाली हाथ जाओगे। दुनिया में जिस असल कारोबार के लिए आए हो वो ये है कि ऐसी कमाई करो कि आखिरत के लिए जमा हो जाए। कौल गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, दुनिया एक बाजार है, इसमें से वही चीज खरीदो और बेचो जो कल बाजार आखिरत में तुमको नफा दे। कुरान पाक में इरशाद है, वलतंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, तर्जुमा, इंसान देखे कि आइंदा के लिए आगे क्या भेजा। सूरतुल हश्र आयत नंबर 18। तुमने दुनियावी कारोबार को इतना अफजल समझ लिया कि अगर तुमसे कहा जाए कि नमाज पढ़ो, कहोगे मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, हालांकि तुम्हें दुनिया में इबादत के लिए भेजा गया। कुरान पाक में इरशाद है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, तर्जुमा, और मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें। सूरतुल ज़ारियत आयत नंबर 56। तुम कहते हो कि इबादत के लिए फरिश्ते मौजूद हैं और हम दुनियावी काम सिर्फ पेट के लिए करते हैं। हमारे पेट में क्या है? नफ्स है, शैतान है, यानी हम शैतान के लिए तो दिन रात लगे रहते हैं और रहमान के लिए तो कुछ भी नहीं करते। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहो। यकीन करो, अगर कोई शख्स लंदन में बैठा है और तुम उसे 40 रोज तक याद करो तो उसके दिल को हरकत होगी और वो तुमको खत लिखकर भेजेगा कि दिल से दिल को राह होती है। और अगर तुम 40 रोज तक दिल से अल्लाह को याद करोगे तो वहां भी हरकत होगी और वो पूछेगा, ये बंदा कौन है जो हर वक्त हमारे जिक्र में मशगूल है? तभी उसने फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तर्जुमा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 152। इबादत चाहे कम करो मगर दिल से करो, ऐसी इबादत ही अच्छी होती है। मगर एक शख्स इबादत में धड़ाधड़ लगा हुआ है मगर जितनी इबादत करता है उतना ही दिल सियाह होता है, ऐसी इबादत का क्या फायदा? ऐसी इबादत तो शैतान भी करता था। लोग समझते हैं कि इबादत से रब मिलता है, अगर ऐसा होता तो रब सभी को मिल जाता। रब इबादत से नहीं बल्कि दिल से मिलता है। इबादत तो दिल को साफ करने का जरिया है। इबादत से तवज्जो दिल की तरफ हो जाती है और दिल की सफाई हो जाती है। तभी हदीस शरीफ में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं शिकलों और अमलों को नहीं देखता, मैं नियतों और कुलूब को देखता हूँ। जब कल्ब साफ होगा तो नियत भी साफ होगी। फिर जब अल्लाह ताला की नजर रहमत पड़ेगी तो समझ लें कि रब भी मिल गया। हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने से तुम्हें इस नाम से मोहब्बत हो जाएगी। फिर ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता इश्क में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद अगर तुमको रस्सों से बांध कर भी घसीटा जाए तब भी तुम कहोगे कि हम तो अल्लाह हु ही करेंगे। बाज लोगों को घरों में बांध दिया जाता है मगर फिर भी वो इश्के खुदाबंदी की वजह से अल्लाह हु करने से बाज नहीं आते। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को रस्सों से बांध कर गर्म रेत पर घसीटा जाता था मगर फिर भी वो अल्लाह के इश्क से बाज ना आए। जब अल्लाह से इश्क हो गया तो समझ लो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो गया, जाने अल्लाह पढ़ने से अल्लाह से इश्क हो जाता है, और अल्लाह से इश्क हो जाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इश्क हो जाता है। नात खानी इसलिए करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो जाए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो जाता है तो अल्लाह ताला से भी इश्क हो जाता है। यानी ये दोनों चीजें, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क पैदा करने वाली है। अगर कोई ना अल्लाह करे और ना ये दुरूद शरीफ
या नातखानी करे वो भला अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे इश्क पैदा कर सकता है, वो तो सिर्फ वक्त पूरा कर रहा है। हदीस शरीफ में है, ज़िक्रुल्लाहि फ़र्दुन मिन क़ब्लि कुल्लि फ़र्दिन, तर्जुमा, तमाम फर्जों से पहला फर्ज जिक्र इलाही है। कुलियात तौहीद, हमारे उलमाए किराम नमाज पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन नमाज से ज्यादा सख्त हुक्म जो है वो जिक्र है। जिक्र का इस हद तक हुक्म है कि खरीदो फरोख में भी इससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں, ترجمہ, وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل۔ سوچو کتنا سخت حکم ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, کیا یہ قرآن مجید سے باہر ہے؟ حدیث شریف میں ہے, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम सोते हैं हमारा दिल नहीं सोता, तो हम इस जिक्र की तरफ क्यों नहीं जाते? ये जो अल्लाह का जिक्र है नफ्स के लिए कातिल है। आप नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, मगर आपका नफ्स अंदर है, इसलिए इसकी सफाई नहीं होती। आप बाहर ही लगे हुए हैं, मगर आपका नफ्स अंदर घुसा हुआ है। जब तुम्हारा जिक्र इस नफ्स के जरिए इस तक पहुंचेगा, तब ही इसकी सफाई होगी और ये नफ्स मुसलमान होगा। ये नफ्स ही है जो तुमको जिक्र अल्लाह की तरफ आने नहीं देता। वो कहता है, बाहर लगा रह, अंदर नहीं आना। इस तरह वो जिक्र की तरफ आने नहीं देता और नतीजन ये नफ्स मोटा हो जाता है। फिर कुछ अरसे बाद नफ्स तुम पर सवार हो जाता है। जब बातनी मखलूक आती है तो वो हमें नहीं देखती। लोगों को इंसान नजर आते हैं, मगर बातनी मखलूक हमें हमारे नफ्सों के मुताबिक देखती है और पहचानती है। जो मलाइका आसमानों से आते हैं तो उन्हें हम नजर नहीं आते, बल्कि हमारे नफ्स नजर आते हैं। नफ्स जिस शक्ल का होगा, इंसान भी उसी शक्ल का नजर आता है। जिस तरह एक वाकया है कि हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक औरत नंगी घूमती थी। उनके खलीफा ने पूछा कि ये औरत नंगी घूमती है, मगर आपको देखकर कोने में क्यों सिमट जाती है, जबकि आप बूढ़े हैं और बुजुर्ग हैं? आपने फरमाया, ये एक राज है। उन्होंने खलीफा को एक अंगूठी दी और कहा, जैसे ही ये औरत आए पहन लेना। औरत के आने पर खलीफा ने अंगूठी पहन ली। आगे पीछे देखा तो कोई गधा, कोई कुत्ता, कोई रीछ और कोई बंदर है। अपने आप को देखा तो बकरा नजर आया। सिर्फ वो औरत और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इंसान नजर आए। इस पर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो औरत कहती है कि मुझे तो सारे ही जानवर नजर आते हैं, इसलिए पर्दा किससे करूं? आप इंसान नजर आते हैं, इसलिए छुप जाती हूँ। हजरत राबिया बसरी ने अपने गुलाम को सर का बाल दिया, कहा कि इसकी गोलाई में से देखना, जो इंसान नजर आए उससे तेल ले आना। गुलाम सारा दिन घूमता रहा, उसे कोई भी इंसान नजर ना आया, कोई कुत्ता, कोई गधा। बड़ी मुश्किल से आखिर में एक इंसान नजर आया और इससे तेल लिया। इस तरह जब फरिश्ते दुनिया में तशरीफ लेकर आते हैं तो ना जाने हम दुनिया में इस वक्त क्या कुछ कर रहे होते हैं। हो सकता है हम तिलावत कर रहे हों और उनको ना जाने क्या नजर आ रहे हों। कुछ लोग तिलावत करते हैं और कुरान उन पर लानत करता है। नफ्स अगर कुत्ता है तो हम नापाक हैं। बाहर से चाहे मोमिन हो, मगर अंदर से नापाक होते हैं। हम कुरान को हाथ लगाते हैं तो नापाक होते हैं। मुजद्दिद साहब ने फरमाया कि मुब्तदी को चाहिए कि पहले जिक्र अल्लाह करे, इस तरह अपने नफ्स को पाक करे। फिर फरमाते हैं, जब मुंतही हो जाए, नफ्स पाक हो जाए, तब कुरान पाक पढ़े। उस वक्त एक लम्हा फिक्र हजारों साल की इबादत से बेहतर है और हम उसके बरक्स अमल करते हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारा सर चकराता है, कुछ को अल्फाज नजर नहीं आते और कुछ पर घबराहट तारी होती है। यानी कुरान पाक चाहता ही नहीं है
कैसे लोग उसको पढ़ें। तो सबसे बुनियादी और पहली चीज जो है वो जिक्र फिक्र है। पहले वाली माएं जाकरा हुआ करती थी, जिक्र फिक्र करती थी, और बच्चा पेट में अल्लाह की आवाज सुनता था, और पैदा होता तो माएं अल्लाह की लोरियां देती, और जब थोड़ा सा बड़ा होता तो जहां अल्लाह के जिक्र के हल्का होता वो वहां बैठता। इसी तरह जब वो नमाज के काबिल होता उसका नफ्स पाक हो चुका होता और वो वली बनता था। हमारा पहला रुकन जो है वो जिक्र है, यानी कलमा तैयबा। हम कहते हैं कि कलमा पहला रुकन है, बुनियाद है। कलमा पाक के बारे में हदीस पाक में आता है कि कलमा तैयब अफजल जिक्र है। अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तर्मिज़ी शरीफ। और अब जिक्र के बारे में कुरान मजीद में आता है अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तर्मिज़ी शरीफ। और अब जिक्र के बारे में कुरान मजीद में आता है फज़कुरुल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, अल्लाह को याद करो खड़े बैठे और करवटों के बल लेटे हुए। सूरह निसा आयत नंबर 103। ये पहला रुकन था और हमने इसको छोड़ दिया। बुनियाद छोड़कर हम मकान बना रहे हैं। जब हमने बुनियाद छोड़ दी तो मकान कैसे बनेगा? जब मकान नहीं बना तो कोई मिर्जाई, कोई देवबंदी, कोई कादियानी, कोई अहल हदीस और कोई पता नहीं क्या बन गए। अगर मकान बन जाता तो फिर क्यों दूसरे फिरकों में बढ़ते? तो सबसे पहले अपनी बुनियाद मजबूत करो, और बुनियाद जिक्र ही से मजबूत होगी। सरकार शाह साहब फरमाते हैं कि हमें भी रब की तलाश थी, ढूंढते ढांढते रहे। एक दिन बाबा गौहर अली शाह के दरबार पर तिलावत कर रहे थे। बाबा गौहर अली शाह सरकार शाह साहब के अजदाद में से थे। दरबार शरीफ ढोक गौहर शाह गुजरखां और बकरा मंडी रावलपिंडी में है। यही पता था कि तिलावत से रब मिलता है। इतने में एक फकीर लंबा सा चुगा पहने हुए आए, फरमाने लगे कि ये क्या चने चबा रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं तिलावत कर रहा हूँ और ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि मैं चने चबा रहा हूँ। मैंने परवाह ना की और अपनी धुन में लगा रहा और ये ख्याल किया कि हो सकता है कि ये शैतान हो। बड़े अरसे बाद लालबाग जंगलों में चला गया, अल्लाह करता रहा। फिर एक वक्त आया कि जब जुबान के साथ तिलावत करता तो दिल भी तिलावत करता। एक मर्तबा सुबह के वक्त जुबान से तिलावत कर रहा था, उसके साथ दिल भी तकरार कर रहा था। फिर वही दरवेश आए जिसे 10-12 साल पहले देखा था, कहने लगे कि अब सही तिलावत कर रहे हो तो ये बात कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ तलब की जरूरत है, मगर तलब सच्ची होनी चाहिए। अगर तुम्हें सही तलब होगी तो कोई वजह नहीं है कि अल्लाह तुम्हें रास्ता ना दिखाए। सच्ची तलब रखो और दुनियादारी छोड़ दो। अफ्रीका के चंद लोगों ने बताया कि हमारे पास मुसलमानों की एक जमात आई, उन्होंने कुरान और हदीस की बातें बताई, हमारा कस्बा मुसलमान हो गया। हम में से एक आदमी को उन्होंने इमामत भी सिखा दी, नमाज रोजा सब कुछ सिखा दिया। हम कुरान और नमाज सब कुछ पढ़ने लगे। साल 1.5 साल गुजारा, पता चला कि मुसलमान की एक और जमात आई है। उन्होंने आते ही पूछा कि कौन से मुसलमान हो? हमने कहा मुसलमान तो एक ही होते हैं। वो कहने लगे कि बताओ कौन से फिरके के मुसलमान हो? हम कहने लगे बस इतना जानते हैं कि हम अहमदी मुसलमान हैं। वो कहने लगे कि तुम तो काफिर हो, क्योंकि इस्लाम में पहले ही अहमदी लोगों को काफिर करार दिया जा चुका है। उन्होंने कोई लेक्चर दिया, हम में से आधे अहमदी और आधे उन जैसे मुसलमान बन गए। अब हम असली मुसलमान बन गए और वहां दो फिरके बन गए, उनकी मस्जिद अलहदा बन गई। बड़े अरसे बाद पता चला कि फिर मुसलमान आ गए हैं। उन्होंने मस्जिदों के दौरे किए, पूछा तुम कौन हो? हम अहमदी हैं। और तुम कौन हो? हम देवबंदी हैं। बोले तुम दोनों ही काफिर हो, क्योंकि आला हजरत ने उनको भी काफिर कहा है। कहने लगे कि हम फिर चुप करके सभी ईसाई बन गए, कि कहने लगे कि हमको पता ही नहीं कि मुसलमान कौन है। अब जो पहला फिरका गया था उसकी भी मेहनत रायगा गई, और दूसरे और तीसरे फिरकों की भी मेहनत रायगा गई, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि मुसलमान कौन है। सब अपनी अपनी जगह खुश हैं, हम सही हैं
और दूसरे गलत हैं। आप इनसे मनाजरा कर लें, सारी जिंदगी गुजर जाएगी, ना आप हारेंगे और ना वो हारेंगे। अब हमको सिरात मुस्तकीम भी और दीन भी चाहिए, और हमको पता भी नहीं है कि सही कौन है और गलत कौन है। 72-73 फिरके हैं, सही की पहचान क्या है? अव्वल, इनमें एक किस्म उन लोगों की है जिनके जाहिर और बातिन दोनों खराब हैं। ना जाहिर में नमाज रोजा और ना उनका दिल अल्लाह अल्लाह करता है। कुरान मजीद फरमाता है कि ये लोग चौपायों की मानंद हैं, बल्कि इनसे भी बदतर, वो ख्वाह किसके भी बेटे हों, ये सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। नंबर दो पर दूसरे वो लोग हैं जिनके जाहिर खराब हैं और बातिन अच्छे हैं। जाहिर में कोई नमाज रोजा नहीं, मगर दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, यानी बातिन दुरुस्त। ये वो लोग हैं जो मज़्ज़ूब कहलाते हैं। अब उनकी तस्दीक है कि वो पागल थे। अगर हमने ऐसा किया तो हम जंदीक हो जाएंगे, अगर हम जंदीक हो गए तो फकर में उनकी वजह से बिद्दत पैदा हो जाएगी, इसलिए आगे सिलसिला नहीं चलता। ये भी सिरातिम मुस्तकीम नहीं है। तीसरे दर्जा पर वो लोग हैं जिनके जीक हो जाएंगे, अगर हम जंदीक हो गए तो फकर में उनकी वजह से बिद्दत पैदा हो जाएगी, इसलिए आगे सिलसिला नहीं चलता। ये भी सिरातिम मुस्तकीम नहीं है। तीसरे दर्जा पर वो लोग हैं जिनके जाहिर दुरुस्त और बातिन खराब हैं। ये हैं हमारे उल्मा, जाहिर में सब कुछ जानते हैं, दाढ़ी, नमाज, रोजा, तिलावत व तस्बीहात और वज़ाइफ वगैरह, मगर अंदर से सियाह। ये भी सिरात मुस्तकीम नहीं है। अगर ये सिरात मुस्तकीम होता तो 72-73 फिरके क्यों बनते? फिर सिरात मुस्तकीम क्या है? जिनके जाहिर के साथ साथ बातिन भी दुरुस्त हो, जबान भी नमाज रोजा करे और दिल भी अल्लाह अल्लाह करे, ये है असल सिरात मुस्तकीम। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिल अल्लाह अल्लाह कैसे करता है? ये तो गोश्त का लोथड़ा है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि गोश्त का लोथड़ा किस तरह अल्लाह अल्लाह कर सकता है। ये सिर्फ लोगों की कयास आराइयां हैं कि इन्हें ये नहीं मालूम कि हमारे अंदर 7 मखलूक आबाद हैं। इनमें से सिर्फ एक मखलूक रूह का पता है, बाकी 6 मखलूकों के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं, जो अंडों में बंद हैं। तुम रात को सोते हो और ख्वाब में दूसरी जगह देखते हो, कोई चीज है तुम में बंद, वो रूह नहीं। रूह अगर जाती तो तुम फौरन खत्म हो जाते। वो एक मखलूक है जो अंडों में बंद है, उन पर जनार के छिलके हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हारे कल्ब पर शैतान ने 125,000 जाले लपेटे हुए हैं, बल्कि 125,000 से भी ज्यादा। अब अगर किसी ने मुर्गी का अंडा ना देखा हो और तुम उसको कहो कि ये चूं चूं करेगा या हवा में उड़ेगा, वो कहेगा तू गलत कहता है, ना इसकी टांगे हैं और ना इसका मुंह और ना इसमें हरकत है, कैसे उड़ेगा और कैसे चूं चूं करेगा। इसी तरह हमारे अंदर वो अंडा है जो गोश्त के लोथड़े के ऊपर है, इसमें भी कोई हरकत नहीं, बस खामोश है। इस मुर्गी के अंडे में इतनी ताकत है कि इसको 40 रोज तक गर्मी ना पहुंचाई जाए तो जिंदा रह सकता है, और इस कल्ब में इतनी ताकत है कि अगर 40 साल तक इसको गर्मी ना पहुंचाए तो वो जिंदा रह सकता है। अंडे को जाहिरी गर्मी की जरूरत है, अगर जाहिरी गर्मी देते हैं तो चूजा निकलता है, दिल को अल्लाहू की गर्मी की जरूरत है। ये जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह के नाम की जरबे लगाते हैं, ये इसको गर्मी देते हैं, फिर ये अल्लाहू की गर्मी से फट जाता है। वो अंडा जब गर्मी से फटता है तो इसमें से चूजा निकलता है, उसको किसी ने सिखाया नहीं, वो बगैर सीखे चूं चूं करता है। और ये अंडा जिसे बेजाय नासूती कहते हैं, ये फटने पर बगैर सीखे अल्लाह अल्लाह करता है। आदमी देखता है कि ये मेरे अंदर अल्लाह अल्लाह कौन कर रहा है, मगर इसके कल्ब ने बेख्तियार अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। अब आदमी चाहता है कि पूरे जिस्म में अल्लाह अल्लाह सराइयत कर जाए, मगर जिस्म में अल्लाह अल्लाह कैसे सराइयत करेगा? आप जिक्र खफी, जिक्र जहर, जिक्र अनफास करें, मगर वो जिक्र जो जिस्म के अंदर जाता है, तुम्हारी दिल की धड़कन टिक टिक करती है तो तुम्हारे खून को धकेल कर सारे जिस्म में फैला देती है। फिर वो सालिक
उस धड़कन को अल्लाह अल्लाह के साथ मिलाता है। उसका काम अल्लाह अल्लाह करना और आदमी का काम अल्लाह अल्लाह को धड़कन के साथ मिलाना है। जब धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह मिल जाता है तो उस धड़कन के साथ पूरे जिस्म में सराइयत कर जाता है और नस नस में पहुंच जाता है। उस वक्त शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि तू एक दफा अल्लाह अल्लाह करेगा, तुझे 3.5 करोड़ अल्लाह अल्लाह करने का सवाब मिलेगा। फिर फरमाते हैं कैसे मिलेगा, तेरे अंदर 3.5 करोड़ नसें हैं, दिल ने एक दफा अल्लाह अल्लाह की 3.5 करोड़ नसें हरकत में आ गई। सुल्तान हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर तुझे 72,000 जाहिरी कुरानों का सवाब भी मिलेगा। फिर फरमाते हैं कैसे मिलेगा, ये तेरे जो मसाम हैं ये 72,000 हैं, दिल एक दफा अल्लाह कहेगा ये 72,000 आवाजें यहाँ से भी निकलेगी। दिल 1 घंटे में 6,000 दफा अल्लाह अल्लाह करता है और 24 घंटों में 1.25 लाख से भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, पहले तुम रात को सोते थे और ख्वाब में शैतानी महफिलों में जाते थे, वो नफ्स यानी शैतानी चीज हर शख्स की आजाद है, अब तुम्हारी रूहानी चीज आजाद है, ये भी ताकतवर हो गई है। तुमने सोचा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, इधर तुमने सोचा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंच गई। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लोकी पंज वेले आशिक हर वेले, लोकी मसीती आशिक कदमा, यानी ये लोग जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं इनकी इंतहा मस्जिद ही है, वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि बाजमात हो जाएंगे, लेकिन वो जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं उनकी इंतहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंच गए। अब सालिक ने सोचा कि चलें देखें कि ऊपर क्या हो रहा है, उसने सोचा और ये चीज परवाज कर गई। फरिश्तों ने सोचा कि शायद कोई जिन या शैतान आ रहा है, उन्होंने मंत्र पढ़ा गर्ज मारे कोई असर ना हुआ। उन्होंने सोचा कि जो चीज भी है वो बैतुल मामूर में जाएगी, वहां से आगे तो फरिश्ते भी नहीं जा सकते, ये बैतुल मामूर से भी आगे निकल गई और वहां पहुंच गई जहां रब की जात है। उस वक्त फरिश्तों ने कहा वाकई इंसान अशरफुल मखलूकात है। फिर वक्त आने पर वो शख्स मर गया। रूह चाहे नेक हो या बद, दोजखी हो या बहिश्ती, सब ऊपर चली जाती है और वो चीज जिसे छोड़ गया था ये कब्र में बैठ जाती है और कब्र में बैठकर अल्लाह अल्लाह करती है, नमाज पढ़ती है और लोगों को फैज पहुंचाती है। शबे मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे तो देखा मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर पहुंचे तो देखा मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद हैं। यहां क्या था, हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो की 9 लोगों ने एक ही वक्त में दावत की, आपने एक ही वक्त में 9 लोगों की दावत खाई, ये क्या था। मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने कहा हमने आपको खाने काबा में देखा, आपने फरमाया मैं नहीं गया। दूसरे ने कहा मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर देखा, आपने फरमाया मैं नहीं गया। तीसरे ने कहा मैंने आपको हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के रोजे पर देखा, फरमाया मैं नहीं गया। तो फिर वो क्या था, आप बोले वो मेरा अंदर था। तब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर एक जहां छुपा हुआ है, तुम्हें उसकी खबर ही नहीं। हर शख्स के अंदर ये चीजें होती हैं, लेकिन जब इल्म नहीं होता तो ये चीजें जाया हो जाती हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इस नस्ल के अंडे हैं गंदे, जब ये गंदे हो गए फिर 1,000 अल्लाहु कहो फिर भी वो चीज नहीं बनती, ये चीज जवानी में मिलती है। जब बच्चा नेकी की तरफ रुजू करता है, नमाज रोजा करता है, जिक्र की महफिलों में जाता है, घर वाले दोस्त सभी ये कहते हैं कि ये बूढ़ों का काम है, तू अभी जवान है, जब दाढ़ी रखता है, जिक्र की महफिलों में जाता है, घर वाले जरूर कहते हैं कि तू अभी जवान है, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। फिर इसमें भी ये बात पैदा हो जाती है कि मैं अभी जवान हूं। शादी हो गई, बच्चे हो गए,
मैं अभी जवान हूं। फिर बाल सफेद हो गए तो सबसे पहले बीवी कहेगी कि तेरे बाल सफेद हो गए हैं। वो कहेगा नजले से हो गए, वैसे तो मैं जवान हूं। इधर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जब कोई 40 साल का हो जाए तो उसके अमाल की किताब मेरे पास ले आना ताकि मैं उसको नवाज दूं। अब फरिश्ते उसकी किताब लेकर जाते हैं, अल्लाह ताला देखता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तो अभी जवान हूं। अब तो देने का वक्त था और उसने कुछ नहीं किया। इस लाइन में 40 साल से पहले जो लोग लगते हैं वो दिल को तस्वीर बना लेते हैं। ये खास लाइन है। दर जवानी तोबा कर दन शेवा पैगंबरी, वक्त पीरी गर्क जालिम महसूद परहेजगार। जवानी में दिल की धड़कन को वो टिक टिक महसूस होती है, वो मादा जिंदा होता है, वो उसके साथ अल्लाह अल्लाह में लग जाता है। लेकिन 40 साल के बाद कोई खुशनसीब ऐसा होगा जिसकी ये चीज जिंदा होगी, वरना 40 साल के बाद वो दिल तस्बीह नहीं बनता, फिर वो पत्थर की तस्बीह लेकर बैठ जाता है। 40 साल के बाद फिर अल्लाह ताला कहता है कि इसकी किताब फिर लाना जब ये 60 साल का हो जाए। 40 साल तक राह खास और 60 साल तक राह आम होती हैं। अगर 60 साल तक भी कुछ ना किया तो अल्लाह ताला उस शख्स से बेजार और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उम्मत से खारिज कर देते हैं। अब हमें दीन की तलब होती है तो हम धड़ाधड़ नमाजें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें अपनी नमाजें दुरुस्त करनी चाहिए। नमाज में 3 शराइत जरूरी हैं। पहली, जबान इकरार करे। दूसरी, दिल तस्दीक करे। तीसरी, जिस्म अमल करे। कुल हुवल्लाहु अहद की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि कह दो कि अल्लाह एक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा अल्लाह एक है, उन्होंने आमीन कहा। अब हम नमाज पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाह किसको कहते हैं? हम जो आहिस्ता आहिस्ता कुल हुवल्लाह कहते हैं, हम अपने दिल को कहते हैं। कह अल्लाह एक है, वो आगे से जवाब देता है घर विच आटा ही कोई नहीं। अल्लाहु समद, बीवी बीमार है। लम यलिद, ड्यूटी से लेट हो गया। यानी इसके दिल ने तस्दीक ही नहीं की, उसको माना ही नहीं, ऐसी नमाज कबूल नहीं, चाहे सारी उम्र पढ़ते रहे। इसको नमाज सूरत कहते हैं। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आम लोगों की नमाज नमाज सूरत है। हकीकत की तलाश में निकलो, जब तक नमाज हकीकत ना मिले नमाज सूरत को ना छोड़ो। अब वो नमाज हकीकत क्या है? कुरान मजीद फरमाता है فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ। बस खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज हकीकत से गाफिल हैं, वो जो दिखावा करते हैं। सूरतुल माउन आयत 4, 5 और 6। इसका मतलब नमाज भी है और तबाही भी। तबाही कैसे है? 5 वक्त नमाज पढ़ी, लोगों ने कहा नमाजी है। रब फरमाता है ना मैं अमलों को देखता हूं और ना शिकलों को देखता हूं, मैं नियतों और कल्बों को देखता हूं। जिसको रब देखता है उसमें आटा बीवी बच्चे और कारोबार हैं। जिसको दुनिया देखती है उसमें हम अटेंशन खड़े हैं। ये नमाज रब के लिए थी लेकिन दिल में अब रब का नाम और निशान ही नहीं है। इसमें तो दुनिया है सो ये नमाज दिखावा हुई, तो तबाही कैसे है? 5 वक्त की नमाज पढ़ी, लोगों ने कहा बड़ा अच्छा आदमी है, 5 वक्त का नमाजी है, तो उसके दिल में तकब्बुर पैदा हो गया। फिर लोगों ने कहा बड़ा तहज्जुद गुजार है और इज्जत की, तो और तकब्बुर पैदा हो गया। बेनमाजी को बड़ी हिकारत से देखा कि ये बेनमाजी है, मैं इससे अच्छा हूं कि मैं नमाज पढ़ता हूं। अब ये पता नहीं है कि ये तकब्बुर अजाजील यानी शैतान की राह हमवार कर रहा है। हदीस शरीफ में है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जब तुम अपनी धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगा लोगे
तुम काम काज करोगे, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। नमाज पढ़ोगे, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। जबान कहेगी कुल हुवल्लाहु अहद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह, यानी अल्लाह एक है। जबान कहेगी अल्लाहु समद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। जबान इकरार, दिल तस्दीक और जिस्म अमल करेगा, उस वक्त भी लोग कहेंगे कि बड़ा अच्छा आदमी है, पांच वक्त का नमाजी है। उस वक्त भी तकब्बुर आया, जब दिल में आया तो उस वक्त धड़कन अल्लाह अल्लाह ने उसको निकाल दिया, उसका सीना तकब्बुर से महफूज रहा। अब नमाज मोमिन की मेराज कैसे बनेगी? जिस तरह ऊपर बैतुल मामूर है, इसी तरह तुम्हारा ये खाने काबा है। जिस तरह ऊपर अर्श मौला है, इसी तरह हमारा ये दिल है। जब बीबीसी वाले बोलते हैं तो हम यहाँ सुनते हैं, जब दिल यहाँ हिलता है तो अर्श मौला वाले सुनते हैं। इसका तार अर्श मौला से मिला हुआ है और ये दिल हमारी नमाज को अर्श मौला तक भेजेगा। तो ये नमाज मोमिन की मेराज है, ये नमाज हकीकत है। हम कहते हैं जब तुम नमाज पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, तो नमाज हकीकत की तरफ जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि सारे दिन में नमाज पढ़ते हैं, अगर सारी जिंदगी ही में दो रकतें नमाज हकीकत मिल जाए तो फिर भी कुछ बख्शिश की उम्मीद है। इन नमाजों का क्या है, ये तो सभी पढ़ लेते हैं। कई हिंदू और सिख आए और तुम्हारी इमामत करा के चले गए, अगर यही नमाजें बख्शिश का जरिया हैं, तो फिर वो भी बख्शे गए। अल्लाह ताला से बात करने के लिए रब ने हमारे अंदर टेलीफोन लगा रखा है, अगर बात करना चाहो तो साफ कर लेना। हदीस शरीफ में है, मन सल्ला रकाअती लम यहदिस नफ्सहु गफर लहु मा तकद्दम मिन ज़म्बी। तर्जुमा, जिसने दो रकत अदा की उनमें दुनिया की कोई बात दिल में न लाया कि इसके साबिका तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। हिस्सा दौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमाल, ईमान, इश्क। पहले एमाल है, फिर इसके बाद ईमान है। एमाल और चीज है, ईमान और चीज है। बस दिल के साथ जो एमाल होंगे वही एमाल सालेह हैं, और उसके बगैर जो एमाल हैं वो रस्म रिया और लालच जन्नत से मुतालिका हैं। ईमान के बाद फिर इश्क है, फिर जब इश्क आता है तो इसमें ईमान भी आ जाता है और एमाल भी। आम लोगों का एमाल से, मोमिनों का ईमान से और वलियों का इश्क से ताल्लुक है। इश्क का दर्जा एमाल और ईमान से आगे है। तभी तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसनु इश्क पहुंचावे ईमान नु खबर न कोई हो। बाज वलियों की बातें ऐसी होती हैं कि अगर आदमी पूछे नहीं तो परेशान हो जाता है। सुल्तान बाहू ने एक जगह फरमाया, हफ्से दम बड़ी अच्छी चीज है, सालिक को हफ्से दम करना चाहिए। दूसरी जगह फरमाया कि हफ्से दम बेकार है। एक आदमी मुतनफिर हो जाता है कि दो बातें क्यों करते हैं, लेकिन हफ्से दम उस वक्त सही है जब सालिक मुक्तदी हो, उसके दिल की धड़कन उभारने के लिए हफ्से दम दुरुस्त है। जब सालिक मुंतही हो जाए, इसके लिए हफ्से दम बेकार हो जाता है। मुंतही से मुराद वो सालिक है जिसका कल्ब जारी हो जाए और उसकी दिल की धड़कन में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाए। जाकरीन कई किस्म के होते हैं, कोई नजर से चलता है, कोई कल्ब से, कोई कसब से। वो जो नजर वाले होते हैं उनको शुरू में नजर से चलाया जाता है, इसमें उनका कोई इख्तियार नहीं होता। फिर जब नजर हटा ली जाती है कि अब ये खुद चलेंगे, कसब के जरिए जब तक नजर थी उनका हर वक्त सिलसिला जारी रहा, जब नजर हटी अब वो कसब के जरिए चल रहे हैं। मजा तो तब ही है जब कसब के जरिए वहां तक पहुंचे। नवाफिल का मतलब यह है कि जो इजाफी नमाजें हैं वो इजाफी चीजें, जैसे नफली रोजे, जो रोजे रमजान के अलावा रखेंगे वो नफली कहलाएंगे। इसी तरह आपकी जो इबादत है वो 5000 का जिक्र है, इससे जो ज्यादा करेंगे वो नवाफिल कहलाएंगे। अब ये जिक्र ऐसा है कि जैसे आप इजाफी नमाजें पढ़ेंगे वो नवाफिल कहलाएंगे, लेकिन नमाज तो हर वक्त नहीं पढ़ सकते ना।
सोते में नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये जो जिक्र है ये सोते में भी कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं। इबादत तो वो है जो हर वक्त हो, ये 5,000 के अलावा है, वो तुम्हारे लिए इजाफी है। 5,000 तुम पर फर्ज है, इसके बाद नवाफिल है। उल्मा ने इसकी तशरी यूं की है कि आदमी बस नमाज के नवाफिल पढ़ता रहे। उल्मा ने हम सबको उलझा दिया। कुरान पाक में है, फ़ैदा قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم, बस जब तुम अपनी नमाजों से फारिग हो जाओ तो अल्लाह का जिक्र करो, खड़े बैठे हत्ता के करवटों के बल भी। सूरतुल निसा आयत नंबर 103। शुरू शुरू में कालिम ने बताया कि इसका मकसद ये है कि जब तुम नमाज पूरी पढ़ लो तो उसके बाद जिक्र में मशगूल हो जाओ। अब जिक्र कौन सा? मस्जिद से बाहर निकलो तो ये दुआ पढ़ लो, जब उठो तो ये दुआ पढ़ लो। उस आलिम ने ये कहा और हर वक्त के जिक्र को माना ही नहीं। दूसरे आलिम से इस आयत का मतलब पूछा, उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी कोई नमाज कजा हो जाए तो जिक्र करो। उसने कहा, ना हम नमाजें कजा करते हैं और ना जिक्र में जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने माना में भी तब्दीली कर दी। इसलिए कुरान मजीद में एक आयत उतरी है कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। तर्जुमा, जब तुम किसी मामले में परेशान हो जाओ तो जिक्र करने वालों से पूछ लेना। सूरतुल अनबिया आयत नंबर 7। क्योंकि जिक्र उसी को अता होता है जिसको रब चाहता है, जिक्र रब की मर्जी के बगैर अता नहीं होता। बाकी उलूम हर मकतब का आदमी सीख सकता है, लेकिन ये जिक्र हर किसी के लिए नहीं, जिसे अल्लाह चाहता है अता होता है। जाहिरी मुर्शिद, अगर तुम्हारा जाहिरी मुर्शिद होता तो तुमको इतना फैज नहीं होता। हम भी तुम्हें जाहिरी तस्बीहों और विर्द वज़ाइफ में लगाते। ये बातिनी मुर्शिदों का कमाल है कि आज जैसा भी है उसका कल चल पड़ता है। हमें जो फैज हुआ वो बड़ी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह से हुआ, उन्होंने फिर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा, सुल्तान बाहू ने फिर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा। इधर से भी फैज होता रहा, लेकिन जब हम कलंदर पाक के पास थे उस वक्त तक हमें किसी ने बैत नहीं किया था। तुमने तरिया के कल्ब में पढ़ा होगा कि मुर्शिद भी अब तक सामने आया नहीं। इन लोगों से फैज मिलता रहा लेकिन किसी ने बैत नहीं किया। उस वक्त यही दिल में तमन्ना थी कि कोई बैत तो करे, ये इसी तरह फैज पहुंचा रहे हैं। फिर कलंदर पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैत किया है, क्योंकि हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातुन नबी हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातुन नबी हैं तो हमारे लिए बाइस शर्म है कि हम कहीं और जाकर बैत हों। हमने माना कि बैत के बगैर फैज नहीं होता, अगर फैज होता है तो फिर बैत हो चुकी होगी। एक सिलसिला अवैसिया होता है, ये कभी कभी आता है। ये हजरत अवैस कुरनी रजी अल्लाह ताला अन्हों से चला आ रहा है, जबकि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले भी नहीं होंगे, लेकिन उनको बातिन का फैज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बातिनी फैज था तो उनका मुर्शिद कौन था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। बातिनी फैज बड़ा जबरदस्त होता है, और किसी सहाबी ने अपने दांत नहीं तोड़े मगर अवैस कर्णी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने तोड़ दिए थे, क्योंकि बातनी फैज इश्क में रूहों और कल्बों को तड़पा देता है। इसके बाद हजरत अबू बकर हवारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको बातिन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बैत किया, और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को बातिन में हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बैत किया, और इसके बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को
बातिन में हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बैत किया। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही मुख्तलिफ औलिया से फैज होता रहा। बाद में वालदा के इसरार पर हजरत अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए, मगर आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत कर लिया। आप फरमाते हैं कि दस्त बैत कर्द मारा मुस्तफा। अब फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनको सुल्तान बाहू ने बातिन में बैत किया। फिर लोग ये कहते हैं कि ये तो उनके लिए है, जब उनके लिए है तो सबके लिए है और उनके लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये सिलसिला अवेसिया होता है, इसमें किसी जाहिरी मुर्शिद की जरूरत नहीं होती। ये बिलावास्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल तक पहुंचाता है और ये सिलसिला क्यामत तक रहेगा। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी इसी सिलसिले से होंगे। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। उन्होंने शादी कर ली और दो तीन दिन शादी में मसरूफ रहे। उनके दौर में एक बुजुर्ग और थे, इनके दोस्त और हमपल्ला भी थे। जब वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गए, वहां उनसे पूछा गया कि बहाउद्दीन जिंदा है कि मर गया, क्योंकि उसकी आवाज पहले यहाँ गुंजा करती थी। उन्होंने आकर बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मुझे दरबार रिसालत में ऐसा वाकया पेश आया है। आप रो दिए और बताया कि मुझे तीन दिन हुए जिक्र से महरूम हो गया। उन्होंने कहा शायद वो मर गया। उसी वक्त उन्होंने बीवी को हक मेहर देकर तलाक दे दी। उसका मकसद ये था कि इधर जिक्र छोड़ा तो रब की तरफ से पूछ हुई कि वो बंदा किधर गया। जिक्र व फिक्र की राह में चलते हुए एक स्टेज ऐसा भी आता है कि जब जिक्र पुख्ता हो जाता है तो फिर बंदा नहीं होता। बस ये किस्मत होती है कि अल्लाह किसी का जिक्र 72,000 कर दे या किसी का 1,25,000 तक कर देता है, और जो 1,25,000 का जाकिर है उसका जिक्र कभी भी बंद नहीं होता, और जो 72,000 का जाकिर है उसका जिक्र बंद भी होता रहता है। अब तुम सोचते हो कि क्या वजह है कि मेरा जिक्र 72,000 पर रोक दिया, 1,25,000 नहीं किया, जबकि मेरा कल्ब भी जिंदा है। चूंकि 1,25,000 में उसका दर्जा आगे चला जाता है, हो सकता है अल्लाह ताला उसको इतना ही देना चाहे। इस लाइन में चलने वालों को अल्लाह ताला आजमाता भी है और उसको पक्का करता है, इश्क की भट्टी में डालता है और उसको तकलीफें देता है, फिर उसको पारस बनाकर दुनिया में भेज देता है, फिर दुनिया उसको बजा बजा कर देखती है। जिक्र की किस्में, जिक्र कई किस्म का होता है। एक किस्म पास अनफाज है, जिसमें सांस अंदर लिया तो कहा अल्लाह, बाहर निकाला तो हु पढ़ते हैं। इसमें अगर कामयाब हो भी गए और 24 घंटे करने लग गए तो 24 घंटे में 24,000 सांस आते हैं, और पास अनफाज की वजह से इसका हर सांस तेज हो जाता है। तो आप 24,000 से 25,000 तक जिक्र पास अनफाज कर सकते हैं। दूसरा है जिक्र जहर, वो आप कामकाज में तो ये नहीं कर सकते, सोते में भी नहीं कर सकते, सिर्फ मखसूस वक्त में थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। इसमें जिक्र बुलंद आवाज से किया जाता है। तीसरा है जिक्र खफी, वो ये है कि आप ध्यान करेंगे तो होगा और ध्यान आगे पीछे होगा तो जिक्र नहीं होगा। चौथा जिक्र हब्से दम का है, वो सांस रोक कर करते हैं, वो भी ध्यान देंगे तो होगा वरना वो भी बंद हो जाएगा। एक जिक्र तस्बीह का है, जो आप तस्बीह से करेंगे लेकिन तस्बीह रख दी तो जिक्र खत्म। अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो तस्बीह का जिक्र खत्म हो जाएगा। ये तमाम अज़कार अमल में है, इन सब में फजीलत जिक्र पास अनफाज को है। ये सब ऐसे अमल हैं, अगर आपको कहा जाए तो आप ये जिक्र कर लेंगे, ये आपके इख्तियार में है। लेकिन एक जिक्र ऐसा भी होता है, अगर आपको कहा जाए तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो अमल नहीं है बल्कि वो रब की अता है। इसी जिक्र के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। अगर आदमी सारे काम खुद कर सकता है
तो क्या जरूरत है जगह जगह जाने की। अगर आप नमाज खुद पढ़ सकते हैं तो बगैर पीर व मुर्शिद के भी नमाज पढ़ सकते हैं। लोग तहज्जुद तक भी अदा करते हैं। वो जिक्र फिर कौन सा है? अगर मैं कहूं कि आप अपने दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह मिला लें, आप कहेंगे कि बड़ा ही मुश्किल है, ये अमल नहीं है बल्कि ये रब की अता है। रब चाहेगा तो ये जिक्र मिलेगा, वरना किसी सूरत में बंदा दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता। जब ये जिक्र दिल की धड़कन के साथ मिलेगा तो साइंस कहती है कि इंसानी दिल एक घंटे में 6000 मरतबा तक धड़क सकता है। जब इसमें अल्लाह अल्लाह मिल जाएगी तो एक घंटे में 6000 मरतबा अल्लाह अल्लाह कर लिया। इसी तरह 24 घंटे में आदमी 1.25 लाख के जिक्र से भी बढ़ जाएगा। अब इस जिक्र के मुकाबले में पास अनफाज का जिक्र क्या है? वो 24 घंटे में 25000 की तादाद है और ये 1.25 लाख से भी आगे हो जाता है। वो जिक्र अनफाज तुम्हारे फेफड़ों की सफाई करेगा और इबादत के मर्तबे तक पहुंचाएगा। लेकिन ये जिक्र कल्बी रूहानियत का मर्तबा अता करता है। जब ये तुम्हारे दिल की धड़कन में मिल जाएगा तो धड़कन का काम खून को धकेलना, ये दिल से खून धकेलकर पूरे जिस्म में पहुंचा देती है। अब धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह मिल गई और इस तरह जिक्र नस नस में पहुंच गया। तो इस वक्त शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार अल्लाह कहेगा तो तुझे 3.5 करोड़ अल्लाह अल्लाह का सवाब मिलेगा। वो कैसे? फरमाते हैं कि तेरे जिस्म में 3.5 करोड़ नसें हैं। दिल ने एक दफा कहा अल्लाह, 3.5 करोड़ नसें हरकत में आ गईं और अल्लाह अल्लाह वहां भी गूंजी। फिर सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुझे 72000 जाहिरी कुरान पढ़ने का सवाब और भी मिलेगा। वो कैसे? तेरे जिस्म में 72000 मसाम हैं। दिल एक दफा कहेगा अल्लाह, मसामों से भी आवाज बाहर आएगी। एक दफा जिक्र कल्बी करने से इतना बड़ा सवाब, जबकि एक घंटे में 6000 और 24 में 1.25 लाख से भी बढ़ जाता है। तब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना बड़ा सवाब, जबकि एक घंटे में 6000 और 24 में 1.25 लाख से भी बढ़ जाता है। तब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये जिक्र कल्बी है। अब कहीं से भी तुमको आता हो जाए, किसी वली से हो जाए, किसी दरवेश से मिल जाए, तुम्हें तो ये चीज चाहिए। ये जिक्र ऐसा है कि बाकी जिक्र करो तो रात को सोते में बंद हो जाएंगे, लेकिन ये जिक्र कल्बी ऐसा है कि रात को सोते में भी बंद नहीं होगा। और अगर तुमने ये चाहा कि मैं इसे बंद करूं, वो तो टिक टिक के साथ मिल गया है, धड़कन तो बंद नहीं हो सकती। ये ऐसा जिक्र है। अब इबादत का मतलब है नफ्स को पाक और कल्ब को साफ करना, यही इसका मकसद है। अब जाहिरी इबादत से तुम ना नफ्स पाक कर सकते हो और ना कल्ब साफ कर सकते हो, चाहे सारी उम्र लगे रहो बेकार है। लेकिन जब जिक्र कल्बी नस नस में जाएगा तो तुम्हारा नफ्स जो मकाम नाफ में है उसको हवा के जरिए गिजा मिलती है, और हम अनाज खाते हैं इसके जरिए इसे नारी गिजा मिलती है। अब जब इसको नारी गिजा पहुंचती है तो तुम्हारी नस नस की अल्लाह अल्लाह इस नारी गिजा को जला देती है। जब नारी गिजा जल जाती है तो वो भूखा रह जाता है। ये एक मखलूक है, इसकी कुत्ते की तरह शिकल होती है। फिर ये दूसरी मखलूक यानी कल्ब को कहता है कि मैं मर रहा हूं, मुझे गिजा दो। वो इसको थोड़ा सा नूर दे देते हैं और इसने मौत से बचने के लिए नूर हासिल किया। दूसरे दिन फिर कहता है थोड़ी और गिजा दो, फिर उसे नूर दे देते हैं। तीसरे दिन फिर कहता है थोड़ी और गिजा दो, वो फिर इसे नूर दे देते हैं। फिर कहते हैं पहले कलमा पढ़ फिर गिजा देंगे। अब वो मरने से बचने के लिए कलमा पढ़ता गया। अब कहते हैं कि कलमा पढ़ता रहे, इसी का नूर तेरी गिजा बनता रहेगा। अब वो जिंदा रहने के लिए कलमा पढ़ता रहता है। बाज़ ज़ाकिर कहते हैं कि हमें मकाम नाफ से भी
कलमा पढ़ने की आवाज आती है। इसकी वजह है कि नफ्स मजबूरी से कलमा पढ़ रहा है, अभी मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन कलमे की तासीर से कुछ दिनों में क्या होता है कि वो काले से सफेद हो जाता है, फिर बैल या ऊंट की शक्ल में तब्दील हो जाता है, फिर वो बकरे की सूरत में आता है, बकरे के बाद वो तुम्हारी शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ले जाया जाता है। इस वक्त हाजरीन और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश करते हैं कि एक कुत्ते को पाक और साफ करके इंसान बनाकर लाया है। आफरीन है ऐसे मुर्शिद पर जिसने कुत्ते को इंसान बना दिया। जिक्र कल्बी की इजाजत। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र जला देता है, और कुछ लोगों से ये भी सुना है कि वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुछ कहते हैं जला देता है, पागल कर देता है, लेकिन बहुत से लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। आखिर राज क्या है, कभी सोचा? ये है जिक्र कल्बी, इसे बगैर इजाजत नहीं किया जा सकता। आप सारे अस्मा का जिक्र बगैर इजाजत के कर सकते हैं, लेकिन इसमें जात अल्लाह का जिक्र बगैर इजाजत के नहीं कर सकते। आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन शैतान एक तरफ कोने में खड़ा हंस रहा होता है, क्योंकि वो कहता है कि इसका दिल तो मेरे हाथ में है, जब चाहूंगा मोड़ दूंगा। और एक दिन आपको शिकायत होगी कि मैं पंजगाना नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, अब फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ सकता। ये सब इसलिए हुआ कि शैतान ने तुम्हारा दिल मोड़ दिया है। लेकिन जब तुम दिल की इबादत करने लगोगे तो तुम चाहोगे कि ये अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिल में चला जाए। अब शैतान सोचता है कि अल्लाह का जिक्र इसके दिल में चला गया तो मेरा हाथ किधर पड़ेगा, क्योंकि नूर से शैतान जलता है। इसके पास हिंदू फौज है, इनको हुक्म देता है जाओ और इसको बर्बाद करो, तबाह करो, कुछ भी करो, लेकिन अल्लाह का जिक्र ना करने दो, ताकि अल्लाह इसके अंदर ना जाए। सबसे पहले वो शैतान तुम्हारे घरों में घुसेगा, और तुम्हारे घर वाले सुनेंगे कि ये अल्लाह का जिक्र करता है, तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, डराएंगे। और जब शैतान इसमें कामयाब ना हुआ तो ये शैतान फिर किसी मौलवी में घुस जाएगा, फिर वो मौलवी तुम्हें डराएगा कि अल्लाह में लग गए तो तबाह हो जाओगे। जब इस पर भी बाज ना आए तो शैतान की फौज तुम्हारे कारोबार खराब करेगी। इस पर भी बाज ना आए तो फिर वो तुमको पागल कर जाएंगे। लोग कहेंगे ये अल्लाह करता था, पागल हो गया। लेकिन अगर आपने जिक्र कल्ब की बाकायदा इजाजत किसी कामिल से हासिल की है, तो जहाँ से आपको जिक्र अता होगा उनको अल्लाह ताला की जानिब से एक रहमानी फौज अता होगी। शैतानी फौज जब तुम पर हमला करेगी तो वो रहमानी फौज उस पर टूट पड़ेगी, वो आपस में मुकाबला करते रहेंगे और आप अल्लाह में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह अगर कोई शख्स इजाजत में कमजोर हो तो वो अल्लाह में कामयाब नहीं हो सकता। अब ये जिक्र हर किसी को अता नहीं होता, पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ, फिर नौ सहाब को, फिर 12 इमामों को अता हुआ, फिर गौसे पाक को अता हुआ। अब कल्ब की कुंजी गौसे पाक के पास है। आपको जिक्र कल्ब ख्वाब ख्वाब के जरिए ही मिल जाए, यही समझे कि गौसे पाक की जानिब से अता हुआ है। ये इस्म इस वक्त गौस पाक के पास है, जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम नहीं आ जाते। और जिसको जिक्र कल्ब अता होता है वो शख्स हुजूर गौस पाक के दाखिली मुरीदों में शामिल हो जाता है। ये उस शख्स को अता नहीं होता जो गौस पाक को नहीं मानता, या जिसकी हराम माल से परवरिश हुई हो, या देवबंदी हो, और गुस्ताखान रसूल भी इससे महरूम रहते हैं। ये उन्हें मिलता है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले हैं। बहरहाल ये जिक्र करके देखो, इससे तुम्हारा सीना खुल जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा और सिलसिला चल पड़ा तो समझना कि रब मेहरबान हो गया है, वरना कोई और तरीका ढूंढ लेना। लेकिन तरीका यही है कि दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह मिल जाए, बस जिक्र में इसी को फजीलत है। आधी रात के बाद आसमान से फरिश्तों की एक खास जमात आती है और करामन कातबीन से हर शख्स के बारे में पूछते हैं कि रात को सोते वक्त इसका आखिरी अमल क्या था।
वो कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाकर सोया था। वो जवाब देते हैं कि अल्लाह इसको खुश रखे। दूसरे के मुतालिक पूछते हैं, ये क्या करके सोया था? वो जवाब देते हैं कि इशा की नमाज पढ़कर सोया था। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह इसे भी खुश रखे। तीसरे शख्स के बारे में पूछते हैं, ये क्या करके सोया था? वो कहते हैं कि ये आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया था। फरिश्ते कहते हैं कि आयतुल कुर्सी की लाज रखना और इसकी हिफाजत करना। फिर चौथे शख्स के बारे में पूछते हैं, ये क्या करके सोया था? वो कहते हैं कि ये अल्लाहु अल्लाहु पढ़ते इसी के तसव्वुर में सो गया था। फरिश्ते कहते हैं कि शायद इसी की याद में आंख लग गई हो, आहिस्ता बात करो। ये फजीलत है उन लोगों की जो दिल से अल्लाह का जिक्र करते हैं। हम तो बस यही कहते हैं कि अपने दिल में अल्लाह अल्लाह बसा लो, बाकी कामकाज भी करो, नमाज भी पढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन ये जो तुम्हारे दिल की धड़कनें खाली जा रही हैं, इसमें भी अल्लाह बसा लो तो हर्ज क्या है? हदीस शरीफ में आया है कि जिसकी जुबान पर मरते वक्त कलमा तैयबा होगा, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादातर मरने से पहले जुबान बंद हो जाती है, कलमा कैसे पढ़ेगा? कोई लाखों में एक आधा होता है जो कलमा पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अक्सर की जुबान बंद हो जाती है, लेकिन वो लोग जिनकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह कर रही थी, मर भी रहे थे और कलमा भी पढ़ रहे थे, हत्ता के मर भी गए और 1.5 सेकंड तक अल्लाह अल्लाह करते रहे, जबकि दिल की जुबान को जाहिरी जुबान से 70 गुना फजीलत है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तू सारी उम्र लगा रहे मगर मरने से थोड़ी देर कबल इसमें जात नसीब हो जाए तो खुश नसीब है, जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। इसीलिए गौस पाक रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मेरा मुरीद ईमान के बगैर नहीं जाएगा। आपने 70 दफा अल्लाह से वादा लिया और आपने फरमाया कि मेरा मुरीद वही होगा जो जाकिर होगा, और फरमाया जाकिर उसी को मानता हूँ जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करे, और वही मेरा मुरीद है जिसे कोई खौफ और डर नहीं। मजीद तफसीलात किताब एजाज गौसिया में मनकूल है। जब इस मिजाज अल्लाह से आपका जिक्र चल जाए तो आपके विर्द वज़ाइफ में खुद ही कमी आ जाएगी। इसके अलावा जब आपको अल्लाह अल्लाह की लज्जत आ रही है और आप विर्द वज़ाइफ में लग जाएंगे तो जिक्र में कमी आ जाएगी, आप इसे खुद ब खुद महसूस कर लेंगे। इसलिए इसमें जात मिल जाए तो सब विर्द वज़ाइफ छोड़ दो, अगर इसमें जात ना मिले तो विर्द वज़ाइफ जारी रखो। अगर जिक्र कल्बी मिल जाए तो इस तरह विर्द वज़ाइफ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कल्ब का दर्जा जुबान से 70 गुना ज्यादा है। आप 70 घंटा वजीफा पढ़ते रहें, लेकिन आप 1 घंटा दिल से अल्लाह अल्लाह कर लें तो 70 घंटे विर्द वज़ाइफ से भी आपको फजीलत हासिल है। जबानी इबादत में सबसे अफजल दुरूद शरीफ है, लेकिन जब जिक्र अता हो जाता है तो दुरूद शरीफ इसका वसीला बन जाता है। सहाबा इकराम फरमाते हैं, जब हमें कोई मुसीबत आती तो हम दुरूद शरीफ पढ़ते, बाकी वक्त वो क्या करते थे? बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते थे। अब लोग कहते हैं, हम तो वो काम करते हैं जो अल्लाह करता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। वो क्या कहते हैं? हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह भी पढ़ता है, लेकिन दुरूद शरीफ का फायदा तो उस वक्त होगा जब तुम्हारे दिल में उतरेगा। इसलिए दिल की सफाई के लिए पहले तुम्हें जिक्र कल्बी करना पड़ेगा। खाने काबा, बाज वली होते हैं कि किसी के दिल में खाने काबा बस जाता है, किसी के दिल में इसमें जात, किसी के दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा बस जाता है। एक दफा का वाकया है कि मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि बातनी मखलूकात जिन्नात वगैरह उन्हें सजदा कर रहे हैं। परेशान हुए कि इंसान को सजदा जायज ही नहीं, सजदा तो अल्लाह को होता है। गैब से आवाज आई, ये सजदा तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में जो खाने काबा बस गया है उसे सजदा कर रहे हैं। वो खाने काबा जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी, और ये खाने काबा जो दिल में बस जाता है इसकी बुनियाद खुद अल्लाह ताला रखता है। इसीलिए इस खाने काबा को उस खाने काबा से फजीलत है।
बाज लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें तो कोई फैज ही नहीं होता। फैज तो तब होगा जब तुम्हारा दिल मुनव्वर होगा। बाज लोग इस्मे आजम का जिक्र करते हैं, थक जाते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं इस्मे आजम किस में है, कुछ असर ही नहीं होता। लेकिन ये पता नहीं कि इस्मे आजम उस वक्त असर दिखाता है जब जिस्म आजम हो जाए। जब तुम्हारे पूरे जिस्म की नस नस में अल्लाह अल्लाह बस जाएगा तो जिस्म आजम हो जाएगा, फिर अल्लाह भी इस्मे आजम और या रहमान भी इस्मे आजम, हत्ता के कुरान मजीद की हर आयत में इस्मे आजम ही दिखाई देगा। इबादत की किस्में। इबादत के एतबार से मुसलमानों में चार किस्म के लोग हैं, कोई अहले कान, कोई अहले जुबान, कोई अहले दिल और कोई अहले नजर होता है। नंबर वन पे अहले कान बेशुमार लोग होते हैं, सारी रात वाज सुनते रहेंगे, तकरीरें सुनते रहेंगे, इनको सुनने में मजा आता है, सारी रात कवाली भी सुनते रहेंगे, लेकिन सुबह कोई नमाज रोजा नहीं। ये कान की इबादत है, इनके लिए अल्लाह ताला ने उल्मा बना दिए जो इनको तकारीर सुनाते रहे, नातखां और कवाल बना दिए, हाफिज कुरान भी बना दिए कि इनको कुरान भी सुनाते रहो। दूसरे अहले जुबान, जिन्हें सुनने में मजा नहीं आता बल्कि जब तक कुछ जुबान से पढ़ते नहीं, इनके लिए अल्लाह ताला ने कामिल शरीयत बना दिए, इनको विर्द वज़ाइफ बता दिए कि बस ये पढ़ते रहें और दिन रात वो जुबान से तस्बीहात पढ़ते रहते हैं, इनको इसी में मजा आता है। ये अहले कान की इबादत से ज्यादा बड़ी इबादत है क्योंकि इनके साथ कान भी है और जुबान भी है। तीसरे वो लोग जो अहले दिल होते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या कान से सुनना और क्या जबान से पढ़ना, जब तक दिल अल्लाह अल्लाह ना करे, इनके लिए कामिल तरीकत बना दी, वो इनके दिलों को अल्लाह अल्लाह में लगा देते हैं, बस वो इसी अल्लाह अल्लाह में मस्त रहते हैं कि इनके दर्जात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इनका दिल भी इबादत कर रहा है, जबान भी कर रही है और कान भी सुन रहा है। चौथे अहले नजर होते हैं, अहले नजर वाले कहते हैं क्या दिल से अल्लाह अल्लाह करना, क्या जबान से पढ़ना और क्या कान से सुनना, जब वो अल्लाह ही नजर ना आ जाए, इनके लिए फनाफिल्ला बाकाबिल्ला वाले बना दिए। वो अगर किसी से टकरा जाए तो वो कहते हैं कि बस ऊपर ही देखता रहे, और ये बाकी तमाम दर्जों से बड़ी इबादत है। अब जो जिस तबके का है वो उसी में जाकर फिट होगा। अब अगर अहले जुबान है तो अहले दिल कैसे बनेगा? अगर अहले दिल है जुबान में चला गया तो उसको वहां सुकून नहीं मिलेगा। जो सबसे बड़ी इबादत है वो अहले नजर लोगों की है, लेकिन अहले नजर कोई कोई होता है। हो सकता है पूरे जमाने में एक या दो साहिब नजर लोग हों, अब एक या दो इस मर्तबे तक पहुंचे, बाकी क्या करें? अहले दिल ज्यादा होते हैं, अहले जुबान और ज्यादा होते हैं, और अहले कान सबसे ज्यादा होते हैं। इन्हीं के लिए कुरान कहता है वो जानवरों की मानंद है। नाखानी भी इबादत है, कवाली भी, लोग इसको हराम कहते हैं। हराम नहीं है जिससे अल्लाह और उसके हबीब का इश्क पैदा हो, जिससे उसकी याद सताए, वो चीज हराम नहीं हो सकती। लेकिन इससे जो ज्यादा फजीलत है वो हाफिजों को है जो कुरान मजीद सुनाते हैं। इससे ज्यादा फजीलत उसको है जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं। इनसे ज्यादा उनको जो रब को देखते हैं, और उनसे ज्यादा फजीलत उनको है जिनको रब देखता है। अब चूंकि ये सब मराहिल हमको तय करने हैं और हम एक ही जगह पर डटे हुए हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। अब दुनियावी लिहाज से किसी के पास झोपड़ी है, वो कोशिश करता है मकान बन जाए, मकान है तो कोशिश करता है कि बंगले का मालिक बन जाए, कार भी हो जाए, कोठी भी हो जाए, कितनी तमन्ना है। इसी तरह दीन का भी सिलसिला है, हम सोचते हैं इतने ही में बख्शे जाएं। ठीक है सब उम्मती बख्शे जाएंगे, लेकिन क्या होगा? कुरान मजीद की एक आयत है, क्या उन लोगों ने समझ लिया है कि हम नेक कारों के बराबर कर देंगे? अब तुम बख्शे तो गए, आखिर सिर्फ बख्शिश जन्नत की चाहिए थी,
तो एक जन्नत होती, सात जन्नतें क्यों बनाई गईं, और वो भी एक से बढ़कर एक आला। अब सबसे आला जो जन्नत है वो आशिकों के लिए है। जिस तरह सात जन्नतें बनाई, इसके साथ ही तुम्हारे अंदर सात मखलूकें रख दी गईं। जो कल्ब की मखलूक से इबादत करेगा तो खुल्द का हकदार होगा, अगर अन्ना की मखलूक से इबादत करेगा तो फिरदौस का हकदार होगा। अगर इनके बगैर है, क्या खबर तू बख्शा भी गया कि नहीं। अगर बख्शा भी गया तब भी तू उनके बराबर नहीं बैठ सकेगा, उनका गुलाम बनकर रहेगा। दोजख की आग से बच तो जाएगा लेकिन अहले जन्नत का गुलाम बनकर रहेगा। कितना पछताएगा, काश ये दिल मेरे अंदर भी था, अगर दिल से अल्लाह अल्लाह कर लेता इनके बराबर हो जाता। और जो कल्ब की इबादत करने वाला है वो कहेगा काश मैं रूह की इबादत कर लेता, क्योंकि रूह तो मेरे अंदर भी थी तो दारुस्सलाम में चला जाता। एक से बढ़कर एक दर्जा है। अब ये जो जिंदगी है जिसको हम जिंदगी समझते हैं, यकीन करो एक खिलौना है। जिस तरह बच्चों के हाथ में एक खिलौना दे दिया तो थोड़ी देर के बाद वो तोड़ फोड़ दिया, इसी तरह ये दुनिया एक खिलौना है। असल चीज वो है जो इसके अंदर है, वो है रूह। ये जिस्म उसका मकान है। अब इसका जो बच्चा है वो रूह का नहीं है, जिस्म का है, मट्टी से है। और ना रूह का कोई बाप है ना बेटा। इन सबको एक ही दिन अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया था। यहाँ जो बाप बेटा है वो रूहें वहां कहेंगी कि हम मकानों में एक जगह इकट्ठे रहते थे। जब सूर फूंका जाएगा तो सब रहम के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अल कुरान। कयामत के बाद इन रूहों को ऐसा जिस्म मिलेगा कि जलाया जाएगा, तकलीफ तो पाएगा लेकिन मरेगा नहीं। यही एक राज है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ज्यादातर लोग जानते तो 72 फिरके ना बनते। अब यही है कि क्या खबर कौन अहले कान है, कौन अहले जुबान है, या अहले दिल या अहले नजर है। कोशिश करे, किस्मत को आजमाए, क्या खबर वो अहले नजर ही हो। किताब गौसिया में मजकूर है कि जब हजरत गौसु सकलेन सैयद मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस जहान फानी से आलम जाविदानी की तरफ तशरीफ ले गए, उस वक्त के औलिया में से एक वली अल्लाह साहिब मकामात और दर्जात ने आलम ख्वाब में शेख अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो की जियारत की और दरियाफ्त किया कि या सैयदी आला नसब और शेख वाला हजब, ये फरमाइए के मुनकर नकीर के सवालों से आपने क्यों कर फुर्सत फरमाई। आप गौसे पाक ने फरमाया, यूं पूछो कि उन्होंने मेरे सवालों से किस तरह रिहाई पाई। फिर फरमाया कि सुन ए अहलुल्लाह, जिस वक्त दोनों फरिश्ते मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा मर रब्बू का, यानी तेरा रब कौन है, मैंने कहा इस्लाम का ये तरीका है कि पहले सलाम और मुसाफा करते हैं, बाद में कलाम और मुकालमा करते हैं। बगैर सलाम और मुसाफा के बातें करने की कहां रस्म है। फिर तो वो दोनों फरिश्ते नादिम हुए, फिर सलाम अलैक करके मुसाफा को अपने हाथ बढ़ाए। मैंने दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए और कहा कि पहले मेरा एक सवाल तुमसे है, जब इसका जवाब दे दोगे तब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। फरिश्तों ने कहा फरमाइए आपका क्या सवाल है। मैंने कहा जब खुदावंद ताला ने चाहा आदम को पैदा करके जमीन पर इसको अपना खलीफा मुकर्रर करे, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुं फिल अर्द खलीफा, सूरह बकर आयत नंबर 30, यानी मैं पैदा करता हूँ जमीन में एक खलीफा अपना। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर तमाम फरिश्ते बिला तामुल बोल उठे, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा वयस्फिकु दिमा وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، سورہ بقر آیت نمبر 30، یعنی پیدا کرتا ہے تو اس شخص کو جو فساد کرے گا زمین پر اور خون ریزی کرے گا، اور ہم لوگ تیری تسبیح کرتے ہیں، ساتھ حمد اور پاکی تیرے کی۔ بس تمہارے اس قول پر کئی اعتراض لازم آتے ہیں،
एक तो ये कि तुमने खुदावंद ताला को अपने से मशरूत तलब ठहराया हालांकि वो बेनियाज और मुनज्जा है इससे कि किसी से सुलह और मशवरा चाहे। दूसरा ये कि तमाम बनी आदम की तरफ निस्बत फसाद और खुनरेजी की और ये ना जाना कि इसमें कितने बंदाए खुदा ऐसे होंगे जो तुम फरिश्तों से भी अफजल और आला होंगे। तीसरे ये कि तुम एक बड़ी गुस्साखी कर बैठे कि अपने इल्म को उस आलमुल गैब के इल्म से ज्यादा समझे जब हक ताला सुभाना ने इन्नी अअलमु मा ला तअलमून सूरह बकर आयत नंबर 30 का ताजियाना तुमको मारा जब तुम ठीक हुए यानी उसने फरमाया कि तहकीक मैं जानता हूं वो बातें जो तुम नहीं जानते हो। अब मेरे एतराज का जवाब दे दो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। जब तक तुम मेरी मुकम्मल बातों का जवाब ना दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब रावी कहता है हजरत गौसुस्सकलैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के ये इतराज सुनकर मुनकर नकीर के छक्के छूट गए और हक्का बक्का से खड़े हो गए आपस में एक दूसरे का मुंह तकने लगे हर चंद के गौरव तामुल किया बहुत कुछ समझा मगर जवाब ना बन पड़ा तो चाह के बकुवत ताकत मलकूती के अपने हाथों को छुड़ाकर गायब हो जाएं ताकि हजरत महबूब सुबहानी रजी अल्लाह ताला अन्हो के एतराज के जवाबदही से बच जाएं। मगर इस दिलावर एकताए मैदान जबरूत हवा से बहरे लाहूत के सामने कुव्वत मलकूती इनके क्या काम आ सकती थी बगैर जवाब दिए रिहाई मुमकिन न थी। आखिर मजबूर होकर कहने लगे हम दोनों ही ने ये बात नहीं कही थी बल्कि कुल फरिश्ते इस कौल के शुरका थे इसलिए आपके एतराज का जवाब सभी की तरफ से होना चाहिए। आप हमें छोड़ दें तो हम आपका जवाब फरिश्तों से पूछ कर आए। आपने फरमाया कि अगर तुम ना आए तो मैं क्या करूंगा लिहाजा तुम में से एक को छोड़ देता हूं कि वो जाकर अब मेरे सवालों के जवाब फरिश्तों के गुरु से पूछ आए और दूसरा यहां जवाब के आने तक हाजिर रहे। चुनाचा एक को छोड़ दिया उसने जाकर फरिश्तों से यह हाल बयान किया मगर सब फरिश्ते हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल के जवाब से आजिज रह गए। इस वक्त बारी ताला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म पहुंचा कि तुमने जो आदम पर एतराज किया था वो सब आदम के फर्जिंदों पे आयद होता है बस तुमको चाहिए कि तुम मेरे महबूब की खिदमत में हाजिर होकर अपनी खता माफ कराओ। जब तक वो माफ ना कर देगा तुमको रिहाई ना होगी। अलगर्ज तमाम फरिश्ते महबूब सुबहानी रजी अल्लाह ताला अन्हो की जनाब में हाजिर होकर अपनी तफसीर के अजर ख्वाह हुए और हजरत समदियत से भी शफात का इशारा हुआ। इस वक्त गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जनाब बारी ताला में अर्ज की कि ए खालिके कुल रब्बे अकबर अपने रहमो करम से मेरे मुरीदीन को बख्श दे और उनको मुनकर नकीर के सवालों से बरी फरमा दे तो मैं इन फरिश्तों का कसूर माफ करता हूँ। फरमाने इलाही आ पहुंचा कि मैंने तेरी दुआ कबूल की तो फरिश्तों को माफ कर। तब जनाब गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरिश्तों को छोड़ दिया और वो आलम मलकूत चले गए। गुलिस्ताने औलिया बाब सौम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इबादात की इकसाम। इबादत दो किस्म की है एक जाहिरी इबादत जिसके मुतालिक तो बच्चा बच्चा वाकफियत रखता है और दूसरी बातनी इबादत जिसको आजकल उम्र रसीदा अफराद यानी बूढ़े लोग भी भूल चुके हैं इन्हें इस इबादत का इल्म नहीं है। आज के इस अफरा तफरी के दौर में हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन नजर आ रहा है जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन भाइयों में तफरका किस तरह पड़ा और अब तफरका से किस तरह निजात हासिल हो सकती है आइए इन दो पहलुओं पर गौर करते हैं। शैतान जो कि हमारा असली दुश्मन है इसे ये कुदरत भी हासिल है कि वो इंसान के खून में सराइयत कर जाए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शैतान तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है
दूसरी जानिब इंसान में रूहें हैं, इनका ताल्लुक भी इंसान की नसों से है। जब इंसान जबान से जाहिरी इबादत करता है तो वह इबादत का असर रूहों और इंसानी नसों में गर्दिश करने वाले खून तक नहीं पहुंचता, क्योंकि ये दोनों इंसान के अंदर हैं। ऐसे शख्स की जाहिरी इबादत इस मिसाल की तरह है कि किसी बिल में सांप बैठा हो और वो बाहर से जमीन पर डंडे मार रहा है, भला इस सांप को डंडों का क्या असर होगा, वो तो अंदर से महफूज है। हम जुबान से जाहिर में तिलावत तो कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन शैतान जो हमारी नसों में मौजूद है, इसे जाहिरी इबादत से कोई असर नहीं पड़ता। जब तक हमारी नसों में खून के जरिए से नूर सलाहियत नहीं करेगा और इंसान में मौजूद रूहें नूर से मुनव्वर ना हो जाएं, शैतान इंसानी नसों से नहीं भागेगा। विलायत विरासत नहीं, अब इंसानी रगों में नूर किस तरह सलाहियत करेगा और किस तरह इंसान में मौजूद रूहें मुनव्वर हों और शैतान इसमें से निकल कर भागे, इसके लिए लोग अहले सलासिल से रुजू होकर तालिब या बैत होते हैं और हम नक्शबंदी और चिश्ती, सोहरवर्दी और कादरी कहलाते हैं। लेकिन अफसोस, आजकल बेशुमार लोगों ने मंदरजा बाला सलासिल में से किसी ना किसी सिलसिले के पीर मुर्शिद से तालिब या बैत होकर अपने निस्बत इसी सिलसिले से कायम की, लेकिन इनमें से अक्सरियत इस राज को पाने में महरूम रही। महरूम क्यों रही? इसलिए कि ये राज और ये दौलत तो अल्लाह के कामिल वलियों से हासिल होती है, जो कि अल्लाह के वली से वाबस्ता हुए वो पा गए। इनके बाद इनकी औलादों ने कहा कि हमारा बाप इनके बाप से मुरीद था, लिहाजा हम इनके बेटे से मुरीद, इनका बेटा इनके बेटे से, और ये सिलसिला फिर इसी तरह चलता रहा। याद रहे कि विलायत विरासत नहीं, अगर विरासत होती तो नबूवत होती, जो अरफाओ आला है। जब हर नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता, इसी तरह हर वली का बेटा वली किस तरह हो सकता है? लिहाजा जो लोग जद्दी पुश्ती विलायत वाली नाम निहाद गद्दियों से वाबस्ता हुए, वो खाली ही रहे। विलायत क्या है? लोग कहते हैं वो भी तो बुजुर्ग है, उसकी दाढ़ी है, वो नमाज भी पाबंदी से पढ़ता है, उसका वालिद जो के कामिल वली था, उसकी और उसके बेटों की नमाजों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को अपना वली चुन लेता है तो उसके ऊपर वो एक दफा तजल्ली जरूर डालता है और उसे प्यार से देखता है। इसी में या तो उस अल्लाह के वली का शीशा अकल टूट जाता है, अगर शीशा अकल टूट गया तो वो मज़ूब हो गया और तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सका तो हलाक हो गया, और इसने इस तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया तो महबूब हो गया। अब रोजाना इसके ऊपर 360 मर्तबा नजर रहमत पड़ना शुरू हो गई। अगर वो मज़ूब हो गया तो लोगों को पत्थर मारेगा, डंडे मारेगा, गालियां देगा वगैरह वगैरह, और इसकी मार और गालियों से फैज शुरू हो जाता है। ऐसी तजल्ली बर्दाश्त करके अगर कोई वली महबूब हो गया तो अल्लाह की नजर रहमत उसके जिस्म पर पड़ती रहती है। एक नजर रहमत इंसान के साथ कबीरा गुनाह को जलाती है, गोया इसके एक दिन में इस महबूब वली के 2520 गुनाह कबीरा जलकर खाक हो गए। एक वक्त आता है कि इसके तमाम गुनाह अल्लाह ताला अपनी नजर रहमत के जरिए जलाकर खाक कर देता है। अब इसके एक दिन में इस महबूब वली के 2520 गुनाह कबीरा जलकर खाक हो गए। एक वक्त आता है कि इसके तमाम गुनाह अल्लाह ताला अपनी नजर रहमत के जरिए जलाकर खाक कर देता है। अब इसके नामा एमाल में गुनाह नहीं और वो गुनाहों से महफूज हो गया। नजर रहमत उस पर मुसलसल पड़ती रहती है। इसके बाद ये नजर रहमत अल्लाह के फजल से इस वली के पास बैठने वाले तालिबीन, मुरीदीन, मौतकदीन के गुनाह जलाना शुरू कर देती है। इस तरह एक दिन इस वली की निस्बत से इसके साथ बैठने वालों के गुनाह भी जलकर खाक हो जाते हैं। यही वजह है कि सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा से ज्यादा सोहबत में बैठते, इनकी इस सोहबत में बैठने के सबब हर सहाबी ने बगैर चिल्लों और वजीफों के वलियों से आला मकाम हासिल किया, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो वो नजर रहमत 24 घंटे रहती थी।
इस तरह इनकी सोहबत में बैठने के सबब बगैर चिल्लों और वजीफों के सहाबियत के अरफा आला मर्तबे पर फायज हो गए। और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से दूर रहे, नमाज तहज्जुद भी पढ़ते रहे, लेकिन मुनाफिक और ख्वारिज हो गए। दूसरे जब असहाबे कहफ के ऊपर नजर रहमत पड़ी, उस वक्त कोई भी साथी ना था। उस वक्त उनके करीब एक कुत्ता था। अल्लाह की नजर रहमत के सबब वो कुत्ता भी हजरत कुतमीर रजी अल्लाह ताला अन्हो बन गया। यही वो नजर रहमत है जो इंसान के अंदर को जगाती है। इस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सोहबत तो हमें एक नजर रहमत से देखें और सहाबा की तरह हमारे अंदर को जगा दें, तो फिर हम क्या करें। अल्लाह के बंदों, अल्लाह जल्ला जलालहू में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में नूर और बरकत है। इसके नूर को अपनी नस नस में और रगों में सरायत कर लो। नूर को सरायत करने का तरीका। तस्बीहात दो तरह की होती हैं। एक पत्थर की तस्बीह जो जाहिर में नजर आती है, इसका काम टिक टिक करना है। इसके साथ जबान भी अल्लाह अल्लाह करती है, दुरूद शरीफ पढ़ती है। इस तस्बीह का ताल्लुक जाहिरी उंगलियों से है, इसका इंसान के अंदर से ताल्लुक नहीं। दूसरी तस्बीह अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर रख दी है, जो इस तरह टिक टिक कर रही है, इसको दिल की तस्बीह कहते हैं। जिस तरह पत्थर की तस्बीह की टिक टिक के साथ जबान अल्लाह अल्लाह करती है, इसी तरह इस दिल की टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह को मिलाया जाता है। कुछ दिनों अल्लाह अल्लाह की मश्क के बाद दिल की खाली टिक टिक अल्लाह अल्लाह में तब्दील हो जाती है। दिल की टिक टिक तो 24 घंटे चलती रहती है। पत्थर की तस्बीह को 24 घंटे नहीं चला सकते, लेकिन दिल की तस्बीह तो 24 घंटे चलती रहती है। और जब दिल की टिक टिक अल्लाह अल्लाह में तब्दील हो गई, तो बंदा उस वक्त खाता पीता रहे, दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, बातें करे, कामकाज करे, खरीदो फरोख, हत्ता के सोता रहे, तो भी ये दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा। अब इस टिक टिक का काम है खून को आगे धकेलना। एक टिक अल्लाह, दूसरी टिक अल्लाह, तीसरी, चौथी, ये सिलसिला 24 घंटे जारी रहता है। गोया 24 घंटे दिल की ये टिक टिक अल्लाह के नूर के खून को नसों में धकेलती रहती है। इसी तरह अब अल्लाह अल्लाह का नूर टिक टिक के जरिए नसों में चला गया, और शैतान जो इंसान में पोशीदा था, इस इंसान की रगों से उस वक्त निकलकर भाग जाता है और रूहें जाग उठती हैं। जब रूहें जाग उठती हैं तो अल्लाह का नूर उनकी गिजा बन जाता है। अल्लाह के नूर के जरिए इन रूहों की नशोनुमा होना शुरू हो जाती है। तर्जुमा, कुछ लोग ऐसे हैं जो जाग कर इबादत कर रहे हैं, लेकिन उनका शुमार सोए हुए लोगों में होता है। और कुछ लोग बिस्तरों पर सो रहे हैं, लेकिन उनका शुमार जिंदा लोगों में किया जाता है। क्योंकि बजाहिर तो वो सो रहे हैं, लेकिन उनके दिल तो अल्लाह अल्लाह इबादत कर रहे हैं। ऐसे ही बंदों के लिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल भी मेरा अल्लाह का जिक्र करते हैं। नेज फरमाया कि अल्लाह के जिक्र करने वालों को न खरीद गफलत में डालती है और न फरोख्त। सूरा आले इमरान आयत नंबर 37। अब ऐसे शख्स जिसने अपने दिल की हर टिक टिक को अल्लाह अल्लाह में तब्दील कर लिया, इसका उठना बैठना चलना फिरना बातें करना हत्ता के सोना, तमाम के तमाम ऐमाल और हर घड़ी बारगाह रब्बुल इज्जत में इबादत का दर्जा रखते हैं। ऐसे ही लोगों की निस्बत सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान हक बहादुर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुछ जागदियां सुत्ते हु, कुछ सुत्तियां जागदे हु। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम सोते हैं मगर हमारे दिल नहीं सोते। बकोले बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, लोकी पंज वेले आशिक हर वेले, लोकी मसीती आशिक कदमा।
जो लोग पांच वक्त रब को याद करते हैं, यानी नमाज भी रब का जिक्र है, उनकी इंतहा मस्जिद है, वो पांच वक्त बाजमात नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनकी मंजिल हर वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम यानी मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो हुजूर के कदमों यानी मजलिस मोहम्मदी में पहुंच जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस तक पहुंच गए तो वो रहमतुल आलमीन है, वो शख्स को नवाज ही देते हैं। उस वक्त ऐसा शख्स सोचता है कि देखें ऊपर क्या हो रहा है। उसने सोचा और वो चीज ऊपर परवाज कर गई। फरिश्तों ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुकी। फरिश्तों ने कहा जो चीज भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगी, जहां फरिश्ते भी नहीं जा सकते। मगर फरिश्ते देखते हैं कि ये चीज बैतुल मामूर से भी आगे निकल गई, वहां पहुंच गई जहां रब की जात है, जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज को अपने जाहिरी जिस्म के साथ पहुंचे और अल्लाह के वली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रूहानियत और अपने अंदर छुपी हुई चीजों के जरिए वहां पहुंचे। उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि वाकई इंसान अशरफुल मखलूकात है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, नेक हो या बद हो, हर इंसान को एक ना एक दिन मर जाना है। हमारे अकीदे के मुताबिक हर इंसान की रूह मरने के बाद आसमानों पर चली जाती है। तो कभी सोचा कि हम मजारात या दरबारों में क्यों जाते हैं? अगर रूह ऊपर चली गई तो फिर इन दरबारों में क्या है? हाँ, वही चीजें जो आपने अल्लाह के जिक्र से जगा ली थी वो इजाफी हैं। वही वली बनकर दरबारों मजारात पर बैठ जाती हैं और खल्के खुदा को फैज पहुंचाती हैं। कब्र में नमाज पढ़ती हैं, तिलावत और जिक्र इलाही करती हैं। इसी तरह ये चीजें कयामत तक जिक्र इलाही करती रहती हैं और इस तरह इसका सवाब इसकी रूह को मिलता रहेगा। शबे मेराज जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहि सलाम की कब्र मुबारक से गुजरे तो देखा कि हजरत मूसा अलैहि सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आप जब फौरन ऊपर पहुंचे तो देखा कि मूसा वहां भी मौजूद हैं। लोगों की इकसाम, लोग दो किस्म के होते हैं, एक को आरिफ और दूसरे को मुआरिफ कहते हैं। आरिफ वो है जो सख्त इबादतें रियाजतें करता है, अपने मैदे को 40-40 दिन तक ताम से खाली रखता है, अल्लाह ताला इसके अंदर भी अपना नूर भर देता है। दूसरे मुआरिफ वो जाहिर में इतने ही नमाज रोजा अदा करता रहता है जितना फराइज में शामिल, लेकिन वो अपने अंदर को जगा लेता है, इसका अंदर 24 घंटे अल्लाह का जिक्र करता है। इस तरह जब तजल्ली पड़ती है तो मारिफ की किसी मखलूक पर पड़ती है, इस तरह उसकी वो मखलूक रूह वली बन जाती है। आरिफ को जिस्मानी विलायत मिलती है, इस तरह वो जिस्म समेत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में शिरकत करता है, जबकि मारिफ को किसी अंदरूनी मखलूक के जरिए विलायत हासिल होती है। मुआरिफ आरिफ को जिस्म समेत मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखता है तो कहता है कि ये कितना खुशनसीब है कि जाहिरी जिस्म से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मौजूद है। इतने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात करते हैं। आरिफ पूछता है, आका आप किससे बात कर रहे हैं? हमको तो कोई नजर नहीं आ रहा। जवाबन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस शख्स से बात कर रहा हूँ जिसका जिस्म दुनिया में और रूह मेरे पास है। उस वक्त आरिफ उस पर रश करते हुए बेसाख्ता कहते हैं, कितने खुशनसीब हैं वो मुआरिफ जिस्म समय दुनिया में बैठा है और यहाँ मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मौजूद है। इसी असना में नमाज का वक्त आ जाता है। हुक्म होता है कि जितने आरिफ हैं जो जिस्म से मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं, जाहिर में जाकर नमाज पढ़ें, जबकि मुआरिफ की नमाज अपनी बातनी मखलूक के जरिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में होती है।
हत्ता के मुआरिफ मरने के बाद भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ता रहता है। जिस्म की वलायत जिस्म के साथ खत्म हो गई। मुआरिफ को अंदरूनी मखलूक के जरिए विलायत हासिल होती है, लिहाजा मरने के बाद मुआरिफ की अंदरूनी मखलूक कब्र में भी बैठकर फैज़ खल्क़े खुदा को तकसीम करती है। दीन इस्लाम की गारंटी। एक अंग्रेज ने गोजरावाला में सवाल किया कि मजहब इस्लाम को सच्चा दीन तस्लीम करता हूं, सलाम कहता हूं, शराब छोड़ दो मैं शराब छोड़ने के लिए तैयार हूं, नमाजें पढ़ने के लिए तैयार हूं, गर्ज ये कि अपने हर अमल को इस्लामी सांचे में ढालने के लिए तैयार हूं, मगर फिर भी गारंटी नहीं देते कि दोजखी हूं या जन्नती। क्या मेरी तमाम इबादतें बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल भी हो रही हैं या नहीं? इसका जवाब हम देते हैं कि वो अमल ही क्या जिसकी गारंटी ना हो, यानी वो नमाजें ही क्या जिनकी कबूलियत की गारंटी ना हो। 25-30 साल नमाजें पढ़ते रहने के बावजूद इंसान गुमराहकुन फिरकों देवबंदी या मिर्जाइयों में शामिल हो जाए, ऐसी इबादत का फायदा? लेकिन यकीन करें, दीन इस्लाम गारंटी ही गारंटी है। दिन रात में पता लग जाता है कि इंसान क्या है और इसकी हकीकत क्या है। ये गारंटी जिक्र कल्ब के जरिए हासिल होती है। जब किसी शख्स को जिक्र कल्ब दिया जाता है तो फरिश्ते उस शख्स को बैतुल मामूर ले जाते हैं। बैतुल मामूर की मखलूक से अल्लाह ताला फरमाता है कि इस शख्स को कौन लेकर आया है? अर्ज करते हैं, बारी ताला फला शख्स। अल्लाह ताला फरमाता है, क्यों लेकर आया है? फरिश्ते अर्ज करते हैं कि बारी ताला तेरे हुजूर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। खुदा ताला फरमाता है कि इसका कोई जामिन है? उस वक्त गौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हो काम आते हैं, और जो लोग गौसुल आजम दस्तगीर से अकीदत और मोहब्बत रखते थे, 11वीं शरीफ की फातिहा का एहतमाम करते थे, उन लोगों का ये अमल काम आता है। और फिर गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स के जामिन हो जाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि अब इस शख्स की गवाही कौन देगा? तो वो औलिया कराम और बुजुर्गान दीन के जिनके मज़ारात पर वो मोहब्बत और अकीदत के गुलदस्ते लेकर जाया करता था, उस शख्स की गवाही देते हैं। और आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तस्दीक करते हैं, और फिर कहीं जाकर वो शख्स जाकिर कल्बी के मकाम पर पहुंचता है। बस इस बात की गारंटी है कि इसकी इबादत कबूल हो रही है, अल्लाह का खास करम। हर आदमी ये गुमान करता है कि मुझ पर अल्लाह ताला का खास करम है। अगर इससे पूछा जाए कि कैसे, तो जवाब देता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत की रेल पैल है, ये सब कुछ अल्लाह ही का करम तो है। दूसरे शख्स से पूछते हैं कि भाई तू जो दावा कर रहा है कि तुझ पर खुदा का बड़ा करम है, तो आखिर क्या करम है? तो जवाब देता है कि मेरे तमाम बच्चे आज अच्छे ओहदों पर फायज हैं, फला बच्चा मेरा बैरून मुल्क मुलाजिम है, वहां से खूब रकम भेज रहा है, मेरी जमीनें और जायदादें हैं, ये करम नहीं तो क्या है? तीसरे से पूछते हैं तो वो जवाब देता है कि बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और ताकत दे रखी है, ये करम नहीं तो और क्या है? हम ये कहते हैं कि अगर तुम इन तमाम दुनियावी आसाइशों को अल्लाह का करम समझते हो तो ये काफरों के पास भी है, बल्कि तुमसे ज्यादा है, तो फिर खुदा का तुम्हारे ऊपर क्या करम हुआ? जो चीजें उसने काफरों को दे रखी हैं, वही तुमको दे रखी हैं। हम कहते हैं कि अगर तुमने उसका करम देखना ही है तो किसी मुर्शिद कामिल से जिक्र कल्ब का इज़्ज़न ले, जिक्र अल्लाह को अपना शुआर बना लो, और जो तरीका बताया जाए इस पर अमल करो। फिर अगर 2-4 या 7 दिन के बाद तुम्हारा कल्ब जिक्र अल्लाह से धड़कना शुरू कर देता है तो समझ लो कि तुम पर अल्लाह का खास करम हो गया। इसलिए कि दुनियावी तमाम आसाइशों का इख्तियार दुनिया और अहले दुनिया के सुपुर्द कर दिया, मगर कल्ब का इख्तियार इसी के पास है जिसे वो चाहता है, इससे अपना जिक्र करा लेता है। अल्लाह ताला का करम इस पर ही बस नहीं होता, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तर्जुमा,
तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सूरह बकरा आयत नंबर 152। याद रखिए, जिक्र उसी का किया जाता है कि जिससे दोस्ती हो जाए। अगर कोशिश के बावजूद कुछ भी नहीं होता, वहशत होने लगती है या मुखालफत की तरफ जहन दौड़ता है, तो समझ लें कि तुम्हारे ऊपर रब का कोई करम नहीं है। अगर करम होता तो वो तुमको अपने नाम लेवाओं में शामिल कर लेता। दिल की धड़कन के साथ जिक्र। हमारा तरीका जिक्र दिल की धड़कन वाला है। हम दिल की हर धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह को मिलाते हैं, लेकिन दिल की ये तस्बीह भी 40 साल तक इस काबिल रहती है कि इसके जरिए जिक्र इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र कर सकें, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद इंसान की दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं। फिर इन धड़कनों के साथ जिक्र इसमें ज़ात को मिलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मगर जो लोग जवानी में जिक्र की जानिब रुजू करते हैं, तो उन लोगों को जल्द कामयाबी नसीब हो जाती है, क्योंकि इनकी धड़कनें ज्यादा होती हैं। इस तरह ये नौजवान जिक्र फिक्र की लाइन में कामयाब हो जाते हैं। इन नौजवानों को देखकर बूढ़े लोग एतराज करते हैं कि भाई, हमारे कुलूब क्यों नहीं जारी होते, ये तो बच्चे हैं, और जब इन बच्चों का कल्ब जारी हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं होता। दरअसल इन नौजवानों का भी वक्त था, और जो लोग वक्त पर किसी काम में लग जाते हैं तो उन्हें जल्द कामयाबी हो जाती है, और जो लोग वक्त गुजरने के बाद किसी काम को शुरू करते हैं तो फिर इन लोगों के साथ दो सूरतें होती हैं। पहली ये कि इन लोगों को कामयाबी हो सकती है मगर बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, और नाकामी भी, क्योंकि वक्त गुजर चुका होता है। ऐसे लोगों को ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। वो तसव्वुर ज्यादा करें, 5-7 दिन खिलवत में गुजारें और तसव्वुर इसमें ज़ात करें, इसी तरीके से इन्हें कामयाबी हो सकती है। जिक्र कुब्र व बुखल को खत्म करता है। सिर्फ जाहिरी इबादतें भी बाज़ुकात इंसान के लिए मुश्किल का सबब बन जाती है। आप 5 वक्त के नमाजी हैं, लोगों ने कहा बहुत अच्छा आदमी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो आप में थोड़ा सा तकब्बुर आ गया। दूसरे ने कहा, भाई ये तो तहज्जुद भी पढ़ता है। तारीफ की और ताजीम की और तकब्बुर आ गया। तीसरे ने कहा, बहुत ही अच्छा आदमी है, हाथ पांव अकीदत में चूमे, तो और भी तकब्बुर आ गया। अब तकब्बुर को अंदर से कौन निकाले, ये तुम्हारे इख्तियार में तो नहीं। और इसी तकब्बुर ने अजाजील को ख्वार किया। तकब्बुर अजाजील राख्वार कर्द। मगर जब तुम्हारे दिल की धड़कनों में जिक्र इसमें ज़ात शामिल हो जाएगा, तो फिर अगर तुम्हारे अंदर तकब्बुर आता है तो ये जिक्र अल्लाह उसको बाहर निकाल देगा। फिर कहेंगे, बहुत अच्छा आदमी है, 5 वक्त का नमाजी है, तकब्बुर आया, वो अल्लाह अल्लाह ने निकाल दिया, अब तुम्हारा सीना महफूज रहा। हदीस शरीफ में है, जिस शख्स में जरा भी कुब्र बुखल होगा वो जन्नत के काबिल नहीं। कुब्र बुखल को निकालने के लिए अल्लाह ताला ने जिक्र इसमें ज़ात अता किया है, और इसको हर वक्त करते रहना चाहिए। बाकी इबादतों में वुजू जमाली जलाली परहेज है, मगर इसमें कोई परहेज नहीं है। वजू है या नहीं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं या चल फिर रहे हैं, किसी काम में मसरूफ हैं या खाना वगैरह खा रहे हैं, गर्ज ये कि जिक्र कल्बी को आप हर वक्त कर सकते हैं। बाकी इबादतों में अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो जाती है, वो इबादत खत्म हो जाती है। बगैर वजू के कुछ खा लिया, वजीफा खत्म हो गया। गर्ज ये कि हर इबादत के साथ कुछ न कुछ शराइत है, मगर जिक्र इस्मिजाक हर चीज पर कादिर है। आप अल्लाह हु करते हैं, गलती हो गई, वजीफा तो जा सकता है, मगर जिक्र का फैज जाया नहीं हो सकता। बल्कि इस्मिजाक इंसान की गलतियों और कोताहियों का अजाला करता है। कुरान पाक में है, तर्जुमा, बेशक नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती हैं। जिक्र की बरकत। एक किसान जिक्र कल्बी अल्लाह करता था, उसको पेशाब की हाजत हुई तो उसने अपने बैल खड़े कर दिए। एक नौजवान ने कहा,
कि तुम्हें तकरीबन आधा घंटा तो लग जाएगा, जब तक बेल मुझे दे दो मैं चला लेता हूँ। कैसान ने मना कर दिया। जब कैसान रफ़े हाजत से फारिग होकर आता है तो वो नौजवान कैसान से पूछता है कि क्या वजह थी जो तुमने मुझे अपने बेल चलाने के लिए मना फरमाया और आधा घंटा जाया कर दिया। कैसान ने कहा कि मैं हर वक्त अल्लाहू का जिक्र करता हूँ, जब मैं अल्लाहू से हल चला रहा था तो हल में भी बरकत हो गई, दाना डालूंगा इस दाने में भी बरकत होगी, फिर वो फसल मंडी में जाएगी, मंडी वालों को भी बरकत, फिर जिन घरों में जाएगी उस घर में भी बरकत होगी। यकीन करें कि जब आप जिक्र अल्लाहू कसरत से करेंगे तो आपके ईमान में भी बरकत होगी, आपके रिस्क में भी बरकत होगी और आपके कारोबार में भी बरकत होगी। नमाज इश्क क्या है? एक मर्तबा हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और एक बुजुर्ग जंगल में जा रहे थे कि नमाज का वक्त आ जाता है। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को नमाज पढ़ाने के लिए इस तरह इसरार करते हैं कि आपका दर्जा ज्यादा बुलंद है, आप इमामत फरमाएं। अभी दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को इमामत के लिए राजी कर रहे थे कि इसी असना में एक लकड़हारा आता है। ये उस लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या तू नमाज पढ़ा सकता है? वो लकड़हारा कहता है, ये कौन सा मुश्किल काम है? लकड़हारे ने लकड़ियां रखकर नमाज पढ़ना शुरू की। दौरान नमाज लकड़हारे ने किसी सजदे को बहुत ज्यादा तवील कर दिया और किसी सजदे में जल्दी से सर उठा लिया। नमाज खत्म करने के बाद दोनों बुजुर्गों ने लकड़हारे से इसकी वजह पूछी तो लकड़हारे ने कहा कि मैं सजदे में सुभान रब्बियल आला कहता था तो जवाब आता था लब्बैक या अबदी, जब तक जवाब नहीं आता था मैं सर नहीं उठाता था। ये नमाज इश्क है। हम अभी तक इसी नमाज जाहिरी में लगे हुए हैं, उम्र गुजार दी मगर आगे नहीं बढ़ सके। जहां से नमाज की इब्तिदा की थी वहीं नमाज की इंतहा पर हैं। जबकि हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन का किसी मकान पर रुक जाना हराम है, मोमिन का किसी मकाम पर रुक जाना हराम है। बढ़ते रहो, उसी की तलब में बढ़ते रहो, हत्ता कि इसकी तलब में जान चली जाए। अगर इसकी तलब में जान जाएगी तो हम शहीदों में शुमार किए जाएंगे। मोहब्बत और इश्क का ताल्लुक दिल से है। दरअसल अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का जरिया अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि मोहब्बत और इश्क का ताल्लुक दिल से है, जुबान से नहीं। अगर आप जुबान से सारी उम्र अल्लाह अल्लाह करते रहें तो ये इबादत हो सकती है मगर मोहब्बत नहीं, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक तो दिल से है। जब आपका दिल अल्लाह अल्लाह करने लगेगा तो फिर यही जिक्र अल्लाहू मोहब्बत का रंग लाएगा। और ये इसमें जात अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी को अता ही नहीं किया। यही वजह थी कि बनी इसराइल के नबी अल्लाह का दीदार नहीं कर सके और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों ने अल्लाह ताला का दीदार कर लिया। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला के दीदार की ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम हमारे दीदार की ताब नहीं ला सकते। मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तेरे दीदार की ताब कौन ला सकता है? जवाब मिला, एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। तो मूसा अलैहि सलाम ने जब इसरार किया तो अल्लाह ताला ने अपना जलवा दिखाया। जब मूसा अलैहि सलाम बर्दाश्त नहीं कर सके और बेहोश हो गए और जब होश आया तो जुबान पर यही था कि काश मुझे नबी नहीं बनाता, अपने महबूब का उम्मती बना देता। क्या वजह थी कि मूसा बेहोश हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम काबा कौसैन पर पहुंचकर भी मुस्करा रहे थे? यानी मूसा अलैहि सलाम जमीन पर बेहोश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेढ़ कमान के फासले पर पहुंचकर भी मुस्करा रहे थे। फर्क सिर्फ ये है कि मूसा अलैहि सलाम को सिफाती इस्म या रहमान का जिक्र मिला था, आप सिफाती इस्म का जिक्र करते थे जिसकी वजह से आपके जिस्म में या रहमान का नूर था। सिफाती नूर जात के नूर की ताब ना ला सका, जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में इसमें जात का जाती नूर था। लिहाजा नूर जात के सामने मुस्कराया
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफेल वो इस्म इस उम्मत को मिला, तब इस उम्मत को दूसरे नबियों की उम्मत पर फजीलत हुई। अगर तुमको फजीलत है तो सिर्फ इसमें जात की वजह से, वरना तुम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर वो या रहमान वाले हैं, जिनमें सिफाती नूर तो है। अगर आप बाकी इस्मा का जिक्र करते हैं, मसलन या रहमान का जिक्र करते हैं, हो सकता है बेखुदी में या हमान निकलना शुरू हो जाए। हमान एक शैतान का नाम है। या रहीम का जिक्र करते हुए हीम निकलना शुरू हो जाए। हीम एक देवी थी, लेकिन सिर्फ लफ्ज अल्लाह एक ऐसा इस्म है कि अगर अल्लाह निकले, लिल्ला निकले, लहू निकले, हू निकले, पर बिगड़ता नहीं। ये सबसी की तरफ इशारा करते हैं। सिफाती इस्म के लिए हिसार खींचना पड़ता है, वुजू में रहना पड़ता है, मगर जिक्र अल्लाह इसमें जात हर चीज पर कादिर है, पूरी मखलूक पर कादिर है। गर्ज ये कि हर इस्म पर कादिर है। इसके लिए वजू हो या ना हो जरूरी नहीं, हर वक्त आप इसे कर सकते हैं। जिक्र की दौलत का हुसूल। इस दौर में अल्लाह ताला ने ये इस्म तुम्हारे शहरों में भेज दिया है कि जाओ इसको फैलाओ, करो, देखो और इसका मजा लूटो, वरना पहले ये इस्म बड़ी मुश्किल से मिला करता था। इसके लिए घर बार छोड़ना पड़ता था, पत्ते खाने पड़ते थे, फिर कहीं जाकर ये इस्म मिलता था। मगर आज तालिब ही नहीं है, अब इनको तालिब बनाया जा रहा है। इस जिक्र को करने का इंतहाई आसान तरीका है, अगर कोई इसको करना चाहे। जब आपकी दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह में लग जाए तो वो एक घंटे में 6000 तक चली जाएगी, 24 घंटे में 1.25 लाख से भी बढ़ जाएगी। इधर फरिश्ते भी हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और इसके बाद फर्ज किया आप नमाज नहीं पढ़ते, ये गुनाह कबीरा है, लेकिन अगर आप जिक्र में लग जाते हैं और कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उसी के जिक्र का नूर आपके जिस्म में फैल जाएगा, दिल में दाखिल हो जाएगा। फिर आपका दिल कहेगा चलो अब मस्जिद में नमाज भी पढ़ो, वो दिल आपको नमाज पढ़ाएगा, फिर कहेगा अब दाढ़ी भी रख लो। गर्ज ये कि आपको गुनाहों से नफरत होना शुरू हो जाएगी। जो भी ऐसी नमाज पढ़ते हैं अच्छी है, मगर जो लोग नमाज से गाफिल हैं, नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग कसरत से जिक्र करें, अल्लाह पाक करेगा वो जिक्र के तुफेल नमाज में भी लग जाएंगे। हमारा यकीन है कि अगर कोई तालिब सही नीयत से, सही तरीके से 40 दिन भी अगर अल्लाह को याद करे तो बारी ताला 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। मगर शर्त यह है कि जिक्र इलाही के दरमियान में किसी और चीज को ना लाए, ये सोचे कि अगर मैं जिक्र करूंगा तो मेरा कारोबार चमक जाएगा, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। सिर्फ खालिसतन उसी के लिए उसका जिक्र करे। बीमारी आती है तो आए, कारोबार खराब होता है तो होने दें, लेकिन अल्लाह का जिक्र सिर्फ अल्लाह के लिए करें। अगर हमारे कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं तो वो लोग दरमियान में किसी और को ले आते हैं, कारोबार को, बीमारी को ले आते हैं, इसी वजह से वो कामयाब नहीं होते। तमाम तफरुकात से बारातर होकर उसकी याद में लग जाएं, जरूर कामयाब हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला जिक्र के सदके में कारोबार में भी बरकत देगा, सेहत भी देगा। गर्ज ये कि सब कुछ उनको देगा। सोचने की बात है कि जब वो काफिरों को देता है तो क्या उनको नहीं देगा जो उसके दोस्त हैं। हिस्सा चहारम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाहगार और पारसा। एक नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि जाहिद और पारसा शख्स की नमाज और इबादत और अमले सहले को करामन कातबीन उसके नामाए एमाल में दर्ज करते रहते हैं, लेकिन जहद इबादत से इंसान के अंदर तकब्बुर और अना भी पैदा होती रहती है। अगर जाहिद और पारसा शख्स ने खुद को इबादत गुजार समझकर किसी बेनमाजी को कमतरी और नफरत से देखा
तो वो ऐसा तकब्बुर शुमार होगा जिससे इस पारसा का सीना सियाह होता जाएगा। इस शख्स का हाल इस तरह होगा कि रस्मी रिवाजी तौर पर नमाज और इबादत करके जाहिरी हालत तो दुरुस्त कर ली, लेकिन वो तरीका नहीं सीखा जिससे बातिन की सफाई हो, सीना कीना और तकब्बुर से पाक हो जाए। पारसा शख्स के अंदर जहद इबादत का तकब्बुर बढ़ता रहता है। अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों पर होगा जिससे इस पारसा का सीना सियाह होता जाएगा। इस शख्स का हाल इस तरह होगा कि रस्मी रिवाजी तौर पर नमाज और इबादत करके जाहिरी हालत तो दुरुस्त कर ली, लेकिन वो तरीका नहीं सीखा जिससे बातिन की सफाई हो, सीना कीना और तकब्बुर से पाक हो जाए। पारसा शख्स के अंदर जहद इबादत का तकब्बुर बढ़ता रहता है। अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों पर नजर खास फरमाता रहता है। इस मामले में अल्लाह ताला नाम एमाल को नहीं बल्कि अपने बंदों के कुलूब पर नजर फरमाता है। लेकिन जब जाहिद और पारसा का दिल देखता है तो अनानियत और तकब्बुर से भरा हुआ होता है। अल्लाह ताला उसकी जानिब से नजर हटा लेता है। इस तरह जाहिद और पारसा का तकब्बुर उसकी नेकियों को बर्बाद कर देता है। अब आइए गुनाहगार की जानिब। इंसान जब गुनाह करता है तो करामन कातबीन इसकी बदी को तहरीर कर देते हैं और इसके दिल पर एक सियाह धब्बा भी लग जाता है। इस तरह गुनाहगार का नामा एमाल भी सियाह और दिल भी सियाह होता रहता है। अगर गुनाहगार शख्स को हदीस शरीफ का वो नुस्खा अता हो जाए कि हर चीज को साफ करने का कोई जरिया होता है और दिलों की सफाई का जरिया अल्लाह का जिक्र है। मशकवात शरीफ। गुनाहगार जब जिक्र इलाही में मसरूफ होकर दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह बसा लेता है तो उसका दिल शफाफ और मुनव्वर हो जाता है। उसके साबिका गुनाहों की किताब तो सियाह रहती है, लेकिन दिल चमक उठता है। अल्लाह ताला की नजर खास का सिलसिला बंदों के लिए जारी रहता है। जब इस गुनाहगार पर रब की नजर होती है तो उसके दिल को चमकता देखकर अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो जाता है, उसके अंदर अपनी मोहब्बत डाल देता है। जब अल्लाह की मोहब्बत दाखिल हो जाती है तो उसके महबूब की मोहब्बत भी पैदा हो जाती है, इसलिए कि महबूब खुदा खुदा नहीं लेकिन उससे जुदा भी नहीं। इसी तरह वलियों की मोहब्बत भी पैदा हो जाती है, इसलिए कहा जाता है गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर, जाहिदो पारसा देखते रह गए। पारसाओं का तकब्बुर उनकी नेकियों को खत्म कर देता है और गुनाहगार का जिक्र फिक्र उनकी सियाहकारी को नूर में तब्दील करके उन्हें बारगाह इलाही का कुर्ब अता कर देता है। हकीकी तालीम। सरकार शाह साहब ने मुख्तलिफ इलाकों में रूहानी नशिस्तों में खिताब करते हुए बार बार ये फरमाया कि हर शहर, हर इलाके और हर घर में अहले दिल मौजूद हैं। हम इन अहले दिल लोगों को गफलत और दुनिया परस्ती से निकालकर दिल की दुरुस्तगी की तालीम दे रहे हैं। हमें अफसोस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में बिगाड़ पैदा हो रहा है। लोगों के दिल जो बैतुल्ला अर्शुल्ला बन सकते हैं वो दिल बर्बाद हो रहे हैं। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी इल्म से बहबहरा होकर सिर्फ जाहिरी और किताबी उलूम में फंस कर रह गई है। अगर हकीकी इल्म और हकीकी इबादत की जानिब रुजू करना चाहते हो तो आओ और हकीकत को समझो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से दो इल्म और दो इबादत राइज रही है, एक जुबानी इल्म और जाहिरी इल्म इबादत, दूसरे बातनी इल्म और बातनी इबादत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिन लोगों ने सिर्फ जाहिरी इल्म और इबादत को सब कुछ जाना और कुरानी तालीम को ही सिर्फ मयार हिदायत जानते हुए हुजूर पाक की सोहबत और तवज्जो को अहमियत न दी, वो लोग मुनाफिक और ख्वारिज हुए, दीन में फसाद फैलाते ही रहे। इलावाजी जिन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मरकज़ ईमान तसव्वुर किया और जबानी इल्म और इबादत के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर दिल की सफाई का इल्म और दिल की इबादत का तरीका भी हासिल किया, वो लोग सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब पर फायज हुए।
और उनके जरिए दीन को फरोग हासिल हुआ। इस इल्म को बातनी और शरीयत का इल्म कहा जाता है। ये इल्म हकीकी और नफामंद है। कुरान पाक में इस इल्म के इशारे मौजूद हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को इल्म लुदनी हासिल था और अल्लाह ताला जिसे चाहता है तो अपने रसूलों को इल्म गैब अता फरमाता रहता है। इस तरह हदीस शरीफ में भी इस इल्म के इशारे मिलते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो इल्म अता हुए, एक तुम्हें बता दिया, दूसरा बताए तो तुम हमें कत्ल कर दो। बहवाला इसरार हकीकी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें अल्लाह ताला से तीन इल्म अता हुए, एक अवाम के लिए, एक ख्वास के लिए और एक सिर्फ हमारी जात के लिए। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया कराम के अकवाल और वाकियात से भी इल्म बातिन और इल्म जाहिर का फर्क साबित होता रहा। हजरत इब्राहिम बिन औदम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 70 बार अपना दीदार कराया और हर मरतबा मैंने 100 से ज़ायद मसले सीखे, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 मसले ही लोगों को बताए तो वो भी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े आलिम थे। एक रोज वो अपने मकतब में बैठे थे कि एक दरवेश हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह मकतब में आए और किताबों की जानिब इशारा करके फरमाने लगे कि ये क्या है। मौलाना रूम ने कहा ये वो इल्म है जिसे तुम नहीं जानते। हजरत शम्स तबरेज ने एक कलमी किताब उठाकर पानी में फेंक दी। मौलाना रूम बड़े परेशान हुए। हजरत शम्स तबरेजी ने पानी में से किताब को खुश्क हालत में निकाल लिया। मौलाना रूम ने हैरत से मालूम किया कि ये क्या है। हजरत शम्स तबरेजी ने फरमाया ये वो इल्म है जिसे तुम नहीं जानते। इन हवालों से इल्म बातिन की अहमियत और हक्कानियत वाज़े होती है। लेकिन उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ किताबी और जाहरी इल्म में फंस कर बातिन की हकीकी तालीम से दूर हो गई, जिसकी बिना पर उम्मत इंतशार और तफरीके का शिकार होती जा रही है। असली शैतान। आम तौर पर लोग गाफिल और गुनाहगार लोगों को हिकारत से देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये बड़े शैतान हैं, जबकि ये बेचारे गुनाहगार तो दर हकीकत नकली शैतान हैं। असल शैतान तो वो है जो इल्म में इतना कामिल था कि मौलिम मलकूत हुआ, इबादत में भी तमाम फरिश्तों से ज्यादा इबादत गुजार था, लेकिन इबादत और इल्म के फख्र में आकर और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को तस्लीम ना करके वो गुरूर और तकब्बुर और हसद में मुब्तला हो गया। बस शैतानी औसाफ तो ये हैं। जो लोग नमाज तस्बीह में होशियार हैं लेकिन गुरूर और तकब्बुर और हसद और बुखल उनका शुआर है तो वही लोग असल शैतान हैं। इन्हीं लोगों ने फिरके फैलाए, वलियों को सताया। हर दौर में ये लोग मौजूद रहे। हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी अजीम हस्तियों पर इन्हीं लोगों ने फतवे लगाए। जाहिरी और बातनी बैत। एक नशिस्त में किसी तालिब के इस सवाल के जवाब में कि जाहिरी बैत के बगैर सिलसिला रूहानी चल सकता है, सरकार शाह साहब ने फरमाया कि बैत दो तरह की होती है, एक जाहिरी बैत और दूसरी बातनी बैत। बातनी बैत को ओवैसी बैत भी कहा जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को दस्तो बैत फरमाया। इस सिलसिले में बैतुल रिजवान मारूफ है। ओवैसी बैत की इब्तिदा हजरत अवैस करनी के जरिए हुई। चूंकि हजरत अवैस करनी सच्चे आशिक रसूल थे, लेकिन जाहिरी तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हो सके, इसलिए हुजूर पाक ने इन्हें बातनी तौर पर बैत फरमाया। जाहिरी बैत वालों को जिस्म से फैज होता है, जबकि बातनी बैत में रूह से फैज हासिल होता है। इस तरह हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी रूह मुबारक का फैज हासिल हुआ। रूहानी सिलसिलों में जाहिरी बैत के साथ बातनी बैत और अवैसी फैज का तरीका भी जारी और सारी रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
हयातुल नबी तस्लीम करना अहले ईमान के लिए लाजिम तर है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं तो आपके बैत करने और फैज अता करने की हकीकत को भी तस्लीम किया जाना जरूरी है। हजरत गौस पाक और हजरत सुल्तान बाहू के अकवाल और बयानात से साबित है कि इन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातनी बैत और फैज हासिल हुआ। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर हवारी रहमतुल्लाह अलैह को डकैत की हालत से निकालकर उन्हें बैत फरमाया और अपना खरका भी अता फरमाया और हजरत अबू बकर हवारी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला हवारिया जारी हुआ। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को बातनी तौर पर बैत किया। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह को हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बातनी फैज अता फरमाया। सरकार शाह साहब ने मजीद फरमाया कि जाहिरी बैत में जिस्म की तरबियत की जाती है जबकि बातनी बैत में दिल को बैत किया जाता है। जाहिरी बैत में आजकल हजारों ऐसे लोग हैं जो कि बैत हो रहे हैं लेकिन गुसाख रसूल भी हैं, सहाबे कराम और औलिया अल्लाह की शान में गुसाखियां करते हैं, लेकिन बातनी बैत में चूंकि जिस्म के साथ दिल को भी बैत किया जाता है इसलिए दिल नूरानियत की राह इख्तियार कर लेता है। जब दिल दुरुस्त हो जाए तो वो जिस्म को भी दुरुस्तगी की जानिब ले आता है। ये बातनी बैत और बातनी फैज आज भी जारी है। कोशिश करना चाहिए कि बातनी फैज का हुसूल किया जाए। जाहिरी तौर पर हजारों पीरों से मुरीद हो जाएं, लेकिन अगर बातनी फैज हासिल ना हो तो कुछ हासिल नहीं है। राह सुलूक में मुर्शिद से बैत करके मुर्शिद तक पहुंचना मकसूद नहीं बल्कि बैत करने का असल मकसद रब की जात तक रसाई हासिल करना है। हुसूल फैज रूहानी। सरकार शाह साहब ने रूहानी नशिस्त में तालिबान हक से फरमाया कि आप किसी भी मुर्शिद से बैत हों, फैज रूहानी हासिल करने के लिए दूसरी जगह जाया जा सकता है। जैसा कि हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुरीद थे हजरत इब्राहिम कंजोई रहमतुल्लाह अलैह से, लेकिन आप फैज के लिए सखर में हजरत सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। इसके बाद आप हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास भी फैज के लिए गए। फिर इसके बाद आप मुल्तान में हजरत बहाउल हक रहमतुल्लाह अलैह के पास भी फैज के लिए गए, मगर जब कलंदर पाक वापिस तशरीफ लाए तो सबके सरदार बन गए। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुरीद तो हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के थे, बाद में हजरत दाता गंजबख्श से इक्तबास फैज किया और हुजूर गौस पाक से भी फैज हासिल किया और दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर फैज रूहानी के बाद बेसाख्ता ये शेर फरमाया, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। लिहाजा बैत किसी भी जगह से हो फैज के लिए दूसरी जगह जा सकते हैं। हम भी आपको बैत करने पर इसरार नहीं करते। बातनी रूहानी फैज का एक राज हमें हासिल हुआ था। ये राज हमने बड़ी रियाजतों और मुश्किल से पाया था। रब की रजा यह है कि दीगर मुसलमान भाई भी इसी फैज रूहानी से मुस्तफीज हो जाएं। हमारी तालीमात में कल्ब को जिक्र से जारी करना है। जब कल्ब जारी हो जाता है तो फैज का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिन लोगों का कल्ब जारी हो जाए वो गौस पाक के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि गौस पाक फरमाते हैं कि जाकिर मेरा मुरीद होगा, मैं मुरीद उसी को मानता हूं जिसका कल्ब जिक्र करे। हम खुलूस नियत और बगैर किसी लालच के जिक्र कल्ब को आम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये नेमत जिक्र कल्ब हासिल हो जाए तो दुआ दे देना, अगर ये चीज हासिल नहीं होती तो जो दो चार दिन अल्लाह अल्लाह की है इसका सवाब आपको हासिल हो जाएगा। आपका कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। दिलों पर ईमान लिख दिया गया।
कुरान की आयत मुसलमानों को गौर व फिक्र की दावत देती है। एक आयत में फरमान रब करीम होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों पर ईमान लिख दिया गया है। सूरतुल मुजादला आयत नंबर 22। इस आयत की तिलावत तो कसरत से की जाती है लेकिन इसके हकीकी मायने और इस पर अमल करने की कोशिश नहीं की जाती। आइए हम दिलों पर ईमान नक्श करने के तरीके की वजाहत करते हैं। इंसानी दिल पर ईमान किसी लंबी चौड़ी इबारत या अहकामात की सूरत में नहीं लिखा जाता बल्कि इसमें अल्लाह का नक्श दिल पर हो जाना ईमान कहलाता है। इसमें अल्लाह दिल पर किस तरह नक्श हो इसका तरीका यह है कि रोजाना जब भी वक्त मिले खुसूसन फजर की नमाज के बाद सफेद कागज पर काली स्याही से 66 मरतबा इसमें जात अल्लाह खुशखत अल्फाज में लिखें। जिस तरह 786 को बिस्मिल्लाह शरीफ से निस्बत है इसी तरह 66 की आदत को भी इसमें जात से निस्बत है। इसी तरीके से बार बार इसमें जात लिखते रहने से एक रोज ये इस्म आपकी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें जात को आप दिल पर नक्श करने की कोशिश करें। आंख बंद करके दिल को कागज और उंगली को कलम तसव्वुर करते हुए दिल पर इसमें जात लिखते रहें। दिल की कशिश आंखों से ज्यादा होती है। कुछ अरसा बाद इंशाअल्लाह ये इस्मे पाक दिल में करार पा जाएगा। कुछ लोगों को तो जिक्र कल्ब आता होते ही इसमें जात दिल पर नक्श नजर आना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों को कुछ अरसे बाद नजर आता है। ये अपनी किस्मत और नसीब है। इसमें जात जब दिल में बसना शुरू हो जाता है तो दिल की धड़कन उभर कर तेज हो जाती है। इस धड़कन में अल्लाह अल्लाह मिलाना चाहिए। दिल पर इसमें अल्लाह नजर आ जाए तो आपका शुमार अहले तसव्वुर में हो जाएगा। इसके बाद आप चलते फिरते रहें, कारोबार काम काज करते रहें, लेकिन तसव्वुर इसमें जात का कायम रखें। इस जमन में यह ख्याल रखें कि किसी के दिल पर इसमें अल्लाह लिखा हुआ नजर आता है लेकिन धड़कन महसूस नहीं होती, जबकि किसी को धड़कन महसूस होती है इसमें जात नजर नहीं आता। इन दोनों हालतों में एक भी मुयस्सर आ जाए तो शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि हर किसी की कल्बी कैफियत मुख्तलिफ होती हैं। कोई जलाली होता है, कोई जमाली और कोई मोतदिल मिजाज का हामिल होता है। इदा में दर्जा बाला तरीके पर ही अमल करना चाहिए, इससे बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होती है। नमाज में यकसोई। सरकार शाह साहब ने फरमाया कि ये शिकायत आम है कि हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमारे दिमाग में दुनियावी ख्यालात गर्दिश करते रहते हैं। इस शिकायत का वाहिद हल जिक्र इलाही है। जिक्र करने वालों के तसव्वुर फिक्र और सोच में भी अल्लाह अल्लाह बस जाती है। फिर वो चलते फिरते कारोबार करते रहते हैं लेकिन उनका दिल अल्लाह की याद में मशगूल रहता है। ऐसे लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनकी सोच और ध्यान अल्लाह की जानिब ही मबजूल रहती है। यूं नमाज में दिल दिमाग इधर उधर दुनियावी ख्यालात में नहीं भटक सकते। इस बात को यूं समझें कि इंसान पर कोई एक अहम बात और सोच गालिब हो तो वो दुनिया में चलता फिरता तो रहता है लेकिन उसका ध्यान उसी बात की जानिब मबजूल रहता है। मसलन आपका बच्चा बीमार हो और अस्पताल में दाखिल हो लेकिन आपको दफ्तर से फुर्सत नहीं मिल रही तो आप दफ्तर में होते हुए भी अस्पताल में बच्चे की तरफ मुतवज्जा रहेंगे, या आपने सफर के लिए जहाज या ट्रेन की बुकिंग कराई है और ये बुकिंग शाम के औकात में है लेकिन आप तमाम दिन लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, दीगर मसरूफियात में रहेंगे लेकिन जहन में सफर का ख्याल और वक्त ही मुकद्दम रहेगा। इसी तरह जब आप जिक्र फिक्र और तसव्वुर इसमें ज़ात अल्लाह को पुख्ता और कवी कर लेंगे तो वो तमाम हवास पर हावी हो जाएगा। आपकी हालत इस तरह हो जाएगी, दस्त बकार दिल बयार, हाथ काम में है और दिल यार की याद में मशगूल है। ऐसी नमाज जिसमें जुबान और जिस्म के साथ दिलो दिमाग भी अल्लाह की जानिब मुतवज्जो हो वो बारगाह इलाही में रसाई हासिल कर लेती है। इसके बरक्स वो नमाज जिसमें जिस्म हाजिर हो
और तवज्जो दुनियावी और शैतानी ख्यालात में उलझी हुई हो, तबाही और खराबी बन जाती है। वो सिरात मुस्तकीम से नहीं भटक सकता। सरकार शाह साहब ने नशिस्त में खिताब करते हुए फरमाया कि जिक्र कल्ब के यूं तो बेशुमार फवायद और बरकात हैं, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि जिस शख्स का कल्ब एक बार अल्लाह अल्लाह से जारी हो जाए, वो सिरात मुस्तकीम से कभी भी भटक नहीं सकता। यह और बात है कि जाकर कल्बी दुनियावी माहौल शैतानी रुकावटों और आजमाइशों के सबब कुछ सुस्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसा बाद दोबारा सरगर्म अमल हो जाते हैं। जिस तरह मौज कभी नीचे और कभी ऊपर होती रहती है, लेकिन उसका सफर इसी नशे व फराज में जारी रहता है। मुर्शिद कामिल से जिक्र कल्ब अता होने के बाद कम अज कम 3 साल तक मुर्शिद की रहबरी में जिक्र फिक्र करना लाजिम होता है। अगर इस अरसे से पहले इधर उधर हो गए तो फिर कल्ब बंद हो सकता है, क्योंकि नफ्स और शैतान जैसी दुश्मन ताकतें कभी नहीं चाहती कि किसी का जिक्र कल्ब जारी हो जाए। इसलिए मुखालिफ कुव्वतें जाकर कल्बी को नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहती हैं, जिसको अल्लाह चाहे। सरकार शाह साहब ने एक नशिस्त में एक तालिब को जवाब देते हुए फरमाया कि मुख्तलिफ लोगों की ख्वाहिशात और चाहतें अलग अलग होती हैं। बास चाहते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएं, कुछ चाहते हैं कि थोड़ी बहुत इबादत करके दर्जा विलायत हासिल कर लें। बाज लोग हमारे पास इसलिए आते हैं कि जिक्र लेते ही कश्फ और मुशाहिदा शुरू हो जाएं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि जो अल्लाह चाहता है वो होता है। जिसे अल्लाह चाहे उसे लम्हात में बहुत कुछ अता हो जाता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जिक्र लेते ही बेहोश हो गए, होश में आए तो कहने लगे हम तो खाने काबा देख रहे थे, हम तो मदीना शरीफ में थे। गर्ज ये कि जिसको रब चाहे इसे हर चीज अता हो जाती है। हम जिक्र कल्ब का इज़्ज़न देते हैं, दावा नहीं करते। अगर रब ने चाहा तो तुम्हें बातनी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, और रब ने ना चाहा तो तुम सारी उम्र भी कोशिश करते रहो तो कुछ नजर ना आएगा। हमने तुम्हारा तारुफ अल्लाह से करा दिया, अब कबूल करना ना करना ये अल्लाह का काम है। जिस्म में अल्लाह अल्लाह होना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ज़ाकिर कल्बी के दिल में जिस तरह धड़कन से जुम्बिश पैदा होती है, इसी तरह की जुम्बिश उसके जिस्म के मुख्तलिफ उज़ू में भी पैदा होना शुरू हो जाती है। बाजू, आंख, कमर वगैरह में धड़कन महसूस होती है। इस अहवाल की हकीकत यह है कि दिल में जब अल्लाह अल्लाह जारी हो जाता है तो इंसानी खून में भी रस बस जाता है। चूंकि दिल के जरिए ही सारे जिस्म को खून पंप होता है, इसलिए खून का हर कतरा अल्लाह अल्लाह की जज्बो मस्ती में सरशार दिल से निकलकर जिस्म के हर उजू में जाता है। इसलिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जिक्र कल्ब की बरकत से जुम्बिश पैदा हो जाती है। जाकिर की हिफाजत। एक नशिस्त में खिताब करते हुए फरमाया कि जिक्र कल्ब के जरिए इंसान शैतान और नफ्स से जहाद करता है और बदी की ताकतों पर हावी हो सकता है। इसलिए शैतानी कुव्वतें कभी नहीं चाहती कि कोई शख्स जाकिर कल्बी बन जाए। इसलिए जब कोई शख्स जिक्र कल्ब की तरफ रुजू करता है तो शैतान अपने तमाम कारिंदों को हुक्म देता है कि इसे परेशान करो, बीमार करो, तबाह करो, बर्बाद करो, लेकिन इसे जाकिर कल्बी नहीं बनने दो। इसलिए कि अगर ये जाकिर कल्बी बन गया तो इसकी नस नस में नूर बस जाएगा और हमारा शैतानी तसल्लुत इस पर कभी भी कायम ना हो सकेगा। इसलिए जो मुर्शिद कामिल जिक्र कल्ब अता करते हैं उसको मनजानिब इलाही ऐसी रहमानी मखलूक अता होती है जो शैतानी मखलूक से मुकाबला करती रहती है। हम भी जिसे जिक्र कल्ब देते हैं उस जाकिर के साथ 2 मौकलात कर देते हैं जो उसकी हिफाजत करते रहते हैं। हम जिसको जिक्र देते हैं उसकी सरपरस्ती भी करते हैं। 50,000 और लाख गुना सवाब। सरकार शाह साहब ने फरमाया कि अमूमन ये बात आम है कि खाने काबा में नमाज पढ़ो तो 1 लाख गुना सवाब और मस्जिद नबवी में नमाज अदा करो तो 50,000 नमाजों के सवाब हासिल होता है।
लेकिन अमूमन देखा जाता है कि हर साल लाखों लोग हज के दौरान बेतहाशा नमाजें मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में अदा करते हैं। इस तरह वो करोड़ों नमाजों के सवाब के हकदार हो जाते हैं। लेकिन ये हाजी वापस आते हैं तो अक्सरियत में गफलत और दुनियादारी का शिकार होते हैं, जबकि कुरान पाक के बकौल नमाज तो बुराइयों और ख्वाहिशात से निजात दिलाती है। इस तरह मालूम हुआ कि इस बाबत हकीकत कुछ और है। 150,000 गुनाह सवाब असल में उन नमाजियों को हासिल होता है जिनके दिल पर खाने काबा और रोज़े रसूल नक्श हो जाता है। जिसके दिल पर खाने काबा बस गया वो कहीं भी नमाज अदा करे लाख गुना सवाब हासिल होगा। इसी तरह जिसके दिल पर रोज़े रसूल नक्श है वो जहां भी नमाज अदा करे 50,000 गुना सवाब के हकदार होंगे। ये सवाब मोमिनीन के लिए है ना कि आम हाजी के लिए। इस गलत फहमी की बिना पर तमाम हाजी अपने आप को करोड़ों के सवाब का हकदार जानते हैं कि इस सवाब के गुरूम में मुब्तला होकर अपने आप को बहुत कुछ ख्याल करते हैं। अगर हकीकत में इन्हें करोड़ों नमाजों की हकीकत हासिल हो जाए तो वो गफलत और गुमराही और बदअकीदगी में मुब्तला नहीं हो सकते। इसमें जात हर चीज पर कादिर है। इसमें जात अल्लाह की इजाजत बड़ी मुश्किलों और परेशानियों के बाद हासिल होती है। औलिया अल्लाह बड़ी रियाजतों मुजाहिदों और बड़ी मेहनतों और मशक्कतों के बाद तालिबीन हक को अल्लाह के जिक्र की इजाजत अता फरमाते हैं, और ये इजाजत भी महदूद तादाद में होती है। अगर आज भी किसी बुजुर्ग और दरवेश से कल्ब के जिक्र के बारे में दरियाफ्त करें तो वो यही कहते नजर आते हैं कि ये बहुत बड़ी नेमत है और बड़ी मुश्किलों से किसी किसी को अता होती है। लेकिन दौर हाजिर में अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि इसमें जात अल्लाह की ये नेमत किसी किसी को अता होती है। लेकिन दौर हाजिर में अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि इसमें जात अल्लाह की ये नेमत आम तकसीम की जा रही है। आज तुम लोगों को ना घर बार छोड़कर जंगल में जाना पड़ता है, ना रियाजत तो मुजाहिदात करने पड़ते हैं। ऐन जवानी के अयाम में ये नेमत तुम्हें घर बैठे बिठाए हासिल हो रही है। अगर इस आसानी के दौर में भी कोई इस नेमत से महरूम है या जिक्र कल्ब की अता का सुनकर भी वो इसके हुसूल के लिए कोशिश नहीं करता वो बड़ा बदनसीब है। कुछ लोग वजीफों के जरिए रब को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वजीफा तो दिल को साफ करने का जरिया है। इरफान इलाही के लिए अल्लाह की तरफ फिर भी आना पड़ता है। वजायफ के तरीके में बड़ी मुश्किलात हैं। दौरान वजीफा बगैर वजू खाना खा लिया, वजीफा खत्म, झूठ बोल दिया, वजीफा खत्म, नींद आ गई, वजीफा खत्म। इस तरह वजायफ में उम्र का बड़ा हिस्सा सर्फ हो जाता है, फिर भी कामयाबी नहीं होती, और फिर अंजाम कार वजायफ करने वाले बेजार और बदअमल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें जात की तरफ तवज्जो दी जाए तो अल्लाह के जिक्र के जरिए दुनियावी कामों में मशगूल रहते हुए तमाम पाबंदियों से आजाद होते हुए कुर्ब रब्बानी हासिल हो सकता है। इसमें जात हर चीज पर कादिर है। वो खुद ही इंसान के अंदर मौजूद खराबियों और बुराइयों को खत्म कर डालता है। अगर इंसान कोई गलती और गफलत भी कर जाता है तो अपनी मंजिल से दूर नहीं होता, बल्कि इसमें जात इन गलतियों को अपने नूर से खत्म कर देता है। इसमें जात किसी के काबू में नहीं आता, बल्कि वो खुद इंसान को काबू कर लेता है। इसमें जात हर चीज पर कादिर है। वो तुम पर कुदरत हासिल करके तुम्हें अपना बना लेता है। मशरबे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहवानियत। दुनिया में हर वक्त बहुत से औलिया इकराम मौजूद रहते हैं। हर वली का कदम किसी नबी के कदम पर हुआ करता है। जिस वली का कदम जिस नबी के कदम पर होता है वो उसी मशरब और उसी के तरीके का हामिल होता है। कोई ईसवी मशरब होता है, उसका कदम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदम पर होता है। इसकी जिंदगी मामलात और वसाइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह होते हैं। कोई मूसवी, कोई सुलेमानी, कोई दाऊदी मशरब रखता है, लेकिन बाज का कदम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर होता है।
और वो मोहम्मदी मशरब कहलाते हैं। ईसी मशरब के वली घर बार छोड़ देते हैं और मजूबों की तरह कभी एक जगह कभी दूसरे इलाके में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन मोहम्मदी मशरब में ये तरीका रहबानियत नहीं, बल्कि वो दुनिया में रहते हैं, कारोबार करते हैं, घर बार का निजाम चलाते हैं और अल्लाह अल्लाह भी करते हैं। वो अपने राज को पोशीदा रखते हुए लोगों को भी अल्लाह अल्लाह की तरफ रिगबत दिलाते हैं। इसी मशरब में तारुक दुनिया होकर रहा जाता है, जबकि मोहम्मदी मशरब में तज़किया नफ्स और तज़किया कल्ब के लिए गार हिरा की सुन्नत अपनाते हुए कुछ अरसा खिलवत नशीनी इख्तियार करना पड़ती है। फिर मनाजिल और रूहानियत हासिल करने के बाद दुनिया में आकर लोगों को तलकीन और हिदायत में मसरूफ हो जाते हैं। मोहम्मदी मशरब वाले हुकूकुल इबाद भी अदा करते हैं और हुकूकुल अल्लाह में भी मसरूफ रहते हैं। इस तरह इस मशरब में रहबानियत का तसव्वुर नहीं। मुनफरिद, मुफीद और मुस्तफीज। सरकार शाह साहब ने फरमाया कि राह सुलूक में एक ऐसा वक्त आता है कि अल्लाह ताला किसी पर अपनी तजल्ली डालता है तो कोई मुनफरिद हो जाता है, कोई मुफीद बन जाता है और कोई मुस्तफीज कहलाता है। मुनफरिद लोग वो होते हैं जिनको ना फैज लेने की हाजत होती है, ना फैज देने की, और ना ही इनकी ऐसी कोई ड्यूटी होती है कि वो हिदायत और रहबरी का काम सरंजाम दें। इसलिए वो लोग एक कोने में पड़े रहते हैं। इनका दुनियादारी में रहना हराम होता है, जबकि मुफीद लोग फैज देने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए लोगों की हिदायत पर मामूर रहते हैं। इनका तारकुद दुनिया होना हराम है। इसी तरह मुस्तफीज लोग फैज दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, इसलिए ये भी दुनिया में मसरूफ अमल रहते हैं। इनका तारकुद दुनिया होना भी हराम है। ये तरक्की करते हुए अब्दाल और कुतुब के दर्जे पर भी फायज हो सकते हैं। फकर बा करम, फकर बा कमालियत। राह फकर में भी वलियों के दो सिलसिले होते हैं, एक फकर बा करम, एक फकर बा कमालियत होते हैं। फकर बा करम वाले वली ये होते हैं कि इनको फैज या मर्तबा किसी वली के जरिए से ही मिला और वली तक ही रहा। फनाफिल शेख, फनाफिल गौस, फनाफिल रसूल में होते हैं। इनका फैज कोई दूसरा चाहे तो छीन भी सकता है, यानी फनाफिल शेख वाले का कोई दूसरा शख्स, फनाफिल गौस वाले का गौस पाक और फनाफिल रसूल वाले का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छीन सकते हैं। इनके ऊपर रब की तजल्ली नहीं पड़ती, बल्कि ये दूसरे वलियों के वसीले से हासिल कर लेते हैं, लिहाजा दूसरा छीन भी सकता है। जबकि फकर ब कमालियत वाले वली पर अल्लाह ताला की तजल्ली पड़ती है, वो फनाफिल्ला में चले जाते हैं, अल्लाह की तजल्ली में आ जाते हैं, फिर उनका फेस कोई छीनता नहीं है, क्योंकि उनको डायरेक्ट अल्लाह से मिला है। बाज वली ऐसे होते हैं जो नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी गौसो कुतुब अब्दाल होते हैं। ये 360 वलियों में से होते हैं, मगर ये रब की तजल्ली में नहीं होते हैं, ये फकर ब करम वाले होते हैं। जबकि फकर ब कमालियत वाले रब की तजल्ली में होते हैं। फकर ब करम का दर्जा नीचे होता है, जबकि फकर ब कमालियत का ताल्लुक रब से है। आपने देखा होगा कि बाज वलियों का शरीयत पर बड़ा जोर होता है, जबकि बाज इतना जोर नहीं देते, मगर उनकी करामत और फैज उनसे ज्यादा होता है। इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह पहले शरीयत के बड़े पाबंद थे, बहुत विरद व वज़ाइफ में रहते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो पहले जैसी बात नहीं रही। एक बादशाह जहां बादशाह ने आपको बुलवाया, आप नहीं गए। उसने आयत लिखकर भेजी, अल्लाह की अतात, रसूल अल्लाह की अतात, शेख की अतात। आपने जवाब में लिखा, मैं इस वक्त अतीउल्लाह में इतना मसरूफ हूँ कि अतीउ रसूल से भी शर्मिंदा हूँ, बाकी अमलों की बात है। इनके दर्जे होते हैं, कोई शरीयत में, कोई तरीकत में, कोई हकीकत में, कोई मार्फत में, कोई फना फिल्ला में, लेकिन इसको वही समझ सकता है
जिसको ये दर्जा मिल जाए। अल्लाह ताला तोहफतुल मजालिस की तदवीन के लिए हमारी कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन। खैर अंदेश चेयरमैन सरफरोश पब्लिकेशन पाकिस्तान।